आज शुरुआत करते हैं एब्रोटेनम। और एब्रोटेनम हमारी पहली मेडिसिन होती है मटेरिया मेडिका में, जब हम बात करते हैं तो। ठीक है, ये एब्रोटेनम का पौधा है जिससे दवा बनती है, इसकी पत्तियों से और इसके तने से। इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं साउदर्न वुड के नाम से जाना जाता है। ये साउथ यूरोप में पाया जाता है पौधा, और ये अपने यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम है वो लेट्स लव, या इसको लेडीज लव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा ये प्लांट किंगडम का पौधा है जो कि कंपोजिटी फैमिली और उसकी सब फैमिली है कैम्बेनिम फेरी, उसका पौधा है ये। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो तकलीफें होती हैं वो शुरू कहाँ से होती हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ए ऑब्लिक एफ को बोलते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब जो तकलीफ शुरू होती है उस कहाँ से शुरुआत होती है। तो ऐसी कंडीशन जबकि सडनली चेक डायरिया हो, मतलब वो कंडीशन जबकि डायरिया बिल्कुल अचानक चेक हो जाए। आपने देखा होगा कि अक्सर जब पहले क्या होता था कि किसी को लूज मोशन होता था, या अभी भी होता है, तो लोमोफेन या इस तरह के एलोपैथिक मेडिसिन दे दी जाती थी। तो या तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि जो डायरिया वो अचानक बिल्कुल रुक जाता था, तो जो लूज मोशन हो रहा था वो बिल्कुल बंद हो गया। जबकि बॉडी का एक नेचुरल कंडीशन होती है कि शरीर के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो कि पचने वाली ना हो, या ऐसी कोई चीज जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाए, उसको बॉडी क्या करता है, ऑटोमेटिक बाहर कर देता है। मतलब वो चीज़ ऑटोमेटिक शरीर से बाहर होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो अगर हम इस नेचुरल प्रक्रिया में अगर व्यवधान डालते हैं, उसको रोक देते हैं, तो क्या होगा कि ये हमारे शरीर के लिए फिर नुकसानदेह, क्योंकि जो चीज़ हम अचानक रोक देते हैं, अब शरीर में गंदगी है, गंदगी इकट्ठी हो गई है, तो शरीर क्या कर रहा है, उसको बाहर कर देता है। अब मान लीजिए जैसे हम कोई चीज़ अगर खाते पीते हैं, जैसे हम गर्मी के मौसम में कोई गंदा पानी पी लिए या कुछ ऐसा खा लिए जिसकी वजह से इन्फेक्शन पेट के अंदर हो गया, तो बॉडी का नेचुरल कंडीशन क्या है, नेचुरली उसको वोमिट कर देता, उल्टी कर देता है, वोमिट हो जाती है, बाहर निकल जाता है, तो हमको बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। अब अगर मान लीजिए हमने किसी भी कारणवश उसको रोक दिया, वोमिट होने वाला था, हमने कुछ ऐसी मेडिसिन खा ली, रुक गई, तो अब क्या होगा कि वो जो गंदगी अंदर शरीर के अंदर पड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। अब हमने उसको बाहर नहीं किया तो वो शरीर के अंदर ही रह करके किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, या जगह अपना बदल लेती है। ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस में जो दवा यूज़ की जाती है उसमें एब्रोटेनम वन ऑफ द मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट दवा आती है। दूसरी चीज़ ये कि जो सेक्रीशंस हम रोक देते हैं, यानी अचानक कोई दस्त हो या कोई स्राव हमने रोक दिया, अब बॉडी से मान लिए पसीना हो रहा है, सपोज पर्सपायरेशन हो रहा है, और हमने ऊपर से क्या कर लिया, ठंडे पानी से नहा लिया, तो अचानक क्या होगा, जो पर्सपायरेशन होता रुक गया, या कोई बॉडी से कोई सेक्रेशन निकल रहा है, बॉडी से कोई स्राव निकल रहा है, उसको हमने अचानक रोक दिया। तो इन सारी कंडीशंस में इसके रुकने के बाद जो बीमारी पैदा होती है, वहाँ पे पहली दवा हमारे दिमाग में आती है वो है एब्रोटेनम। दूसरी चीज़ है कि कुपोषण, ऐसे बच्चे जिनके अंदर में पोषण प्रॉपर मात्रा में ना पहुँचे, तो वैसी कंडीशन के लिए भी एब्रोटेनम बहुत अच्छी दवा है। अब पोषण न पहुँचे तो उसके बड़े सारे कंडीशंस होते हैं, नीचे लिखा हुआ है, डिफेक्टिव डाइजेशन यानी दोषपूर्ण पाचन, यानी मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वो सही तरीके से अगर पच ना पाए। जैसे हम जब खाना खाते हैं तो खाना में क्या होता है कि जब स्टमक के अंदर आता है तो वहाँ पे बड़े सारे पाचक जूस, जिसको हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं, वो मिलते हैं उसके साथ में, और वहाँ पे एक क्रमाकुंचन गति चलती है जिससे खाना पचता है। जैसे आजकल की जो कंडीशंस होती है कि जब बड़े बड़े मकान बनते हैं तो जिसमें कंक्रीट, सीमेंट, बालू, इन सबको मिक्स करने की एक मशीन होती है ना, जो कि उसको मिक्स करती है। तो अब वैसी कंडीशन में क्या होता है कि जब वो मिक्स करती है तो सारा का सारा चीज़ एकदम मिक्स हो जाता है। तो उसी तरह की एक मशीन हमारे पेट के अंदर में है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक, और उसके अंदर में यही प्रक्रिया चलती है। अब ये प्रक्रिया ये चलती है क्रमाकुंचन गति, किसको बोलते हैं ये, मतलब ये आगे की तरफ, जैसे हम लोग किसी स्क्रू को टाइट करते हैं तो स्क्रू कैसे होता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है, ये इस तरीके की होती है। तो वो प्रक्रिया आगे होती है जब हम इंटेस्टाइन में जाते हैं, लेकिन जब हम स्टमक के अंदर में होती हैं तो यही प्रक्रिया होती है जिसको जिससे हमारा बनता है काइम, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं काइम। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए, आपने अक्सर सुना होगा कि हम लोग कहते हैं कि, या डॉक्टर्स बोलते हैं या बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाते वक्त में पानी पीना चाहिए,
तो जब हम खाना खा रहे हो उस दौरान जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारे लिए अमृत का काम करता है, ज़्यादा नहीं थोड़ी मात्रा में, ताकि वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है। जैसे होता है ना कि जब हम कोई चीज़ मिक्स करते हैं जो उस मशीन में डाला जाता है, उसके साथ में थोड़ा पानी भी मिलाया जाता है ताकि वो मिक्स हो जाए। लेकिन जब ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा, वो पानी की तरह बह जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं खाना खाने के दौरान ज़्यादा पानी पीना ठीक नहीं है, आप कम पानी पीजिए, मतलब उतना ही पानी पीजिए जितना कि आसानी से हो जाए, जितनी आवश्यकता है उसकी। अब खाना खाने के बाद जब हम पानी पीते हैं तो वो नुकसानदेह होता है, क्यों? क्योंकि बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के साथ साथ में क्या होता है कि उसके बॉडी की जितनी भी ब्लड सर्कुलेशंस होती है वो सारा का सारा चली आती है हमारे पेट की तरफ। क्यों आती है? क्योंकि वहां पे आवश्यकता होती है खाने को पचाने की। और आप जानते हैं कि पहले के आयुर्वेद में बोला जाता था कि खाने को पचाने के लिए आवश्यक क्या होता है, खाने को पचाने के लिए आवश्यक होता है जठर अग्नि। जठर अग्नि, जठर बोलते हैं हमारे पेट को, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्टमक को जठर बोलते हैं, और वहां पे प्रदीप्त होने वाली अग्नि उसको बोलते हैं जठर अग्नि। अब अग्नि कैसे प्रदीप्त होती है? अग्नि का मतलब होता है गर्माहट। गर्माहट किस में होती है? गर्म होती है खून के अंदर में, यानी जो ब्लड है जब हम खाना खाते हैं तो पूरी बॉडी से ब्लड का सर्कुलेशन आ जाता है हमारे पेट की तरफ में। तो जब पेट के पास में आ जाता है तो वो का क्या काम करता है, वो खाने को पचाने का काम करता है। पचाने का काम कैसे करता है? चूंकि गर्माहट होती है और गर्म, आपको पता है कि गर्मी की वजह से खाना आसानी से पच जाता है, ठीक है। अब अगर हमने खाने के साथ में पानी पी लिया तो क्या होगा, जब हम पानी पीते हैं तो वो जो खाना पच रहा होता है वो ब्लड का काम क्या होता है, खाने को पचाने के लिए गर्मी प्रदान करना। जैसे हम लोग किसी चीज़ को पचाने, जब कोई चीज़ अगर अंग पचता है तो गर्मी मिलती है ना अग्नि से, हम लोग अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो गर्मी मिलती है उसको ताकि वो पक जाता है। तो वैसे ही जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी से सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे पेट की तरफ चला आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि खाने खाने के बाद सुस्ती आती है या नींद जैसा महसूस होता है या थोड़ा आराम करने का मन करता है। उसका कारण यही होता है कि बॉडी से जितना भी ब्लड है ब्रेन से और बॉडी के अलग अलग पार्ट से वो पेट की तरफ आ जाता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर हमने पानी डाल दिया यानी ज़्यादा पानी पी लिया तो क्या होता है कि फिर वो जो पानी है वो जो टेम्परेचर वहाँ पे बना हुआ था उसको क्या करता है, वो नॉर्मलाइज कर देता है। मतलब हमने क्या एक सिग्नल दे दिया कि इसका मतलब ये है कि खाना पच चुका है, अब ब्लड की आवश्यकता वहाँ नहीं है, और वापस ब्लड क्या होता है बॉडी के दूसरे पार्ट में चला जाता है, ठीक है। तो जब ब्लॉक जठराग्नि क्या होती है, वो प्रदीप्त हो जाती है, मतलब वही वही कंडीशन हो जाती है कि जैसे आग है, आग पे आपने पानी डाल दिया तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, तो आग अपना काम नहीं कर पाएगी। यही कंडीशन होती है अगर हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो, ठीक है। तो ये होगी पचाने की बात। हमने ये बात क्यों शुरू की कि डिफेक्टिव डाइजेशन को समझाने के लिए, कि जब डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि खाना बिना पचे आगे बढ़ जाता है ना। ऐसे बच्चों में, ऐसे पेशेंट पे आप देखेंगे कि खाना बिना पचे, यानी जब पेशेंट ये बताया कि डॉक्टर साहब खाना बिना पचे ही हमारे स्टूल से पास हो जाता है अनडाइजेस्टेड फॉर्म में, तो वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है एब्रोटेनम। इसके साथ में और भी मेडिसिन्स हैं, ठीक है, लेकिन ये सबसे नंबर वन की मेडिसिन है। दूसरा एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना, या परिपाक जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है कि बड़ी बार क्या होता है कि खाना तो पच गया लेकिन वो शरीर में लगता नहीं है। बड़ी बार आपने पेशेंट से सुना होगा, पेशेंट के पेरेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा खाता तो बहुत है लेकिन इसको लगता ही नहीं है। अब खाना खा बहुत रहा है लेकिन इसको लग नहीं रहा है, ठीक है। तो वैसी कंडीशन में हमारे दिमाग में जो मेडिसिन आती है उसमें, इसको हम आगे और डिटेल में बताएंगे, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को हम सिर्फ यहाँ पे इतना समझा दे रहे हैं कि ये किस वजह से होता है। तो एसिमिलेशन, जब ये खाना प्रॉपर तरीके से पच तो जाए लेकिन शरीर में आत्मसात ना हो, शरीर में मिले ना, या ब्लड में के माध्यम से हो करके बॉडी के एक एक जो कोशिका होती है वहाँ पे प्रॉपर मात्रा में ना पहुँच पाए, तो भी ये कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है फॉलोइंग ऑपरेशंस फॉर हाइड्रोथोरेक्स आर इम्पाइमा। ऐसी कंडीशन में जबकि हाइड्रोथोरेक्स या इम्पाइमा में जो ऑपरेशन की कंडीशंस होती है उसके बाद इसकी आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी कंडीशन ये होती है कि इसके पहले भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है, जबकि ऐसी कंडीशंस हो जाए जिसमें
हाइड्रोथोरेक्स हो, यानी हाइड्रो मतलब होता है पानी, थोरेक्स मतलब होता है हमारी थोरेसिक कैविटी, ठीक है, यानी हमारे सीने में या छाती में या चेस्ट में कह सकते हैं कि उसमें जब पानी इकट्ठा हो जाए या इम्पाइमा यानी जो मवाद इकट्ठा हो जाए, तो इन दोनों कंडीशन में एड्रोटेनम बहुत बढ़िया काम करती है, ठीक है। एम्पाइमा क्या होता है? पॉकेट्स ऑफ पस दैट हैव कलेक्ट इन साइड अ बॉडी कैविटी, ठीक है। आप पिक्चर में देख पे समझ पा रहे होंगे कि ये है चेस्ट का अंदरूनी पार्ट, ठीक है, जिसको चेस्ट कैविटी बोलते हैं। ये बाहर का चेस्ट कैविटी है, ये अंदरूनी है। इन दोनों के बीच में या तो पानी इकट्ठा हो जाए, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये है पस फॉर्मेशन, जिसको हम एम्पाइमा बोलते हैं, ठीक है। और ये है राइट साइड में नॉर्मल प्लूरल स्पेस। नॉर्मली ऐसा होता है इसके अंदर में स्पेस में एयर होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब इसमें या तो पानी इकट्ठा हो जाए या फिर पस फॉर्मेशन हो जाए या पस इकट्ठा हो जाए, तो उसको हम लोग हाइड्रोथोरेक्स या एम्पाइमा बोलते हैं। तो इन सारी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है एब्रोटेनम, ठीक है। तो ये इसके एलिमेंट्स होते हैं, अगर ये बीमारी के ये कारण होते हैं, इस कारण से अगर कोई बीमारी पैदा होती तो वहाँ पे एब्रोटेनम हम लोग सोचते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मोडेलिटीज के बारे में। मोडेलिटीज जानते हैं आप लोग, मोडेलिटीज को थोड़ा सा हम नॉर्मल तरीके से अगर समझें कि मोडेलिटीज वो कंडीशंस होती है जिसमें या तो तकलीफ बढ़ जाए या तकलीफ में आराम हो, इन दोनों को कंबाइनली एक साथ जब बोलना होता है तो हम बोलते हैं मोडेलिटीज, ठीक है। यानी तकलीफ का बढ़ना और तकलीफ का कम होना, इन दोनों को एक साथ जब बोला जाता है तो इसको बोलते हैं मोडेलिटीज। अब जब इसको अलग अलग बोला जाता है तो एक होता है एग्रेवेशन, एक होता है एम्यूलोरेशन। एग्रेवेशन मतलब होता है किसी तकलीफ का बढ़ जाना, उसको बोलते हैं एग्रेवेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में AGG करके लिखते हैं। और दूसरा होता है एम्यूलोरेशन, AMU। तो एम्यूलोरेशन जब लिखते हैं तो उसका मतलब होता है आराम मिलना, ठीक है, दोनों को कंबाइनली बोलते हैं। अब इसको हम पहली बार है इसको थोड़ा समझा दे रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग जानते ही होंगे कि जब हम एरो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आगे की तरफ एरो बढ़ रहा है, आगे जब आगे बढ़ते हैं तो हम आसानी से बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ने में हमको कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ती है। लेकिन जब हम पीछे आते हैं तो पीछे आते समय क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है कि पीछे देख के देख तो नहीं सकते हैं, तो तकलीफ होती है। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जब हम एरो पीछे की तरफ जब आ रहा होगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एग्रेवेशन, और जब आगे की तरफ बढ़ता है तो वो होता है एम्यूलरेशन यानी आराम आना। तो मतलब किसी तकलीफ में अगर आराम आ रहा है तो वो उसमें एरो आगे की तरफ होगा, और किसी तकलीफ में अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो उसमें एरो पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वर्स, इसको बोलते हैं वर्स और इसको बोलते हैं रिलीफ या एग्रेवेशन या एम्यूलरेशन, ठीक है। वर्स मतलब तकलीफ का बढ़ जाना, रिलीफ मतलब तकलीफ में आराम मिलना, ठीक है। तो ये आगे हम इस चीज को बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो तकलीफें होती हैं, जो इसमें मोडलिटी जो इसमें वर्स बाई कोल्ड एयर यानी ठंडी हवा से इसकी तकलीफें होती हैं बढ़ जाती हैं। वर्स बाई चेक्ड सेक्रीशंस, स्राव को रोकने के बाद होने वाली जो बीमारी होती है उन या किसी सेक्रीशन को अगर हमने चेक कर दिया, रोक दिया, उसके बाद तकलीफ अगर बढ़ जाए तो वहां पे एब्रोटेनम सोची जाती है पहले। वर्स बाई फॉग यानी अगर कोहरे में इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। वर्स एट नाइट, रात में इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। वर्स वेट या डैम्प वेदर, ठीक है, नमी से या डैम्प वेदर में इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। रिलीफ, अब यहाँ पे देखिए नीचे दे रखा है रिलीफ, एरो आगे का बढ़ा हुआ है, रिलीफ लूज स्टूल यानी जब लूज मोशन होने लगता है तो पेशेंट को आराम मिलता है। सेक्रीशन रोक दिया जाता है तो तकलीफ बढ़ जाती है, और लूज मोशन होने लगता है तो पेशेंट को आराम मिलता है। तो जब भी किसी बीमारी में ऐसी तकलीफ मिले कि पेशेंट को बोले डॉक्टर साहब जब हमारा स्टूल लूज होने लगता है, मतलब लूज मोशन होने लगता है, तो हमको आराम मिल जाता है हर बीमारी में, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो गठिया की तकलीफ हो या उसको कोई भी और बीमारी हो शरीर में, और पेशेंट ये बोले कि मुझे डॉक्टर साहब जब लूज मोशन होने लगता है तो मुझे आराम मिल जाता है, और लूज मोशन रुक जाता है या कोई सेक्रेशन है वो रुक गया, उसके बाद हमारी तकलीफ बढ़ जाती है, बीमारी मेरी बढ़ जाती है, तो वहां पे एब्रोटेनम पहले सोचना है हमको। रिलीफ बाय मोशन, चलने से पेशेंट को आराम मिलता है, ठीक है। पेशेंट जब बिल्कुल शांति से पड़ा रहता है तो क्या होता है, उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन जब
चलता है तो उसको आराम मिलता है, चलने पे आराम मिलना रस्टॉक्स का भी सिम्टम है, ठीक है? तो इसको हम रस्टॉक्स से भी इस सिम्टम पे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? जबकि ये ब्रैनिया से भी कंपेयर किया जाता है, लेकिन ब्रैनिया में और इसमें अंतर कहाँ पे आएगा, इसी सिम्टम पे आएगा कि ब्रैनिया का जो पेशेंट होता है उसमें रेस्ट से उसको आराम मिलता है, चुपचाप पड़ा रहता है तो उसको आराम मिलता है, जैसे मूवमेंट किया उसकी तकलीफ बढ़ गई। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट चलता फिरता रहेगा तो उसको आराम रहेगा, तो इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके माइंड पे जाते हैं, ठीक है? अब ये जो पेशेंट होता है यह ज़्यादातर बच्चे या बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है? तो अब इनमें मेंटल सिम्टम क्या क्या आता है? वैकल्पिक रूप से अल्टरनेट हो, मतलब क्या है इसका कि जब मानसिक लक्षण शुरू हो तो शारीरिक लक्षण में आराम मिल जाए, और शारीरिक लक्षण शुरू हो तो मानसिक लक्षण में आराम मिल जाए, जब ये अल्टरनेट होता है। देखिए एब्रोटेनम का सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि ये अल्टरनेट करता है सिम्टम्स को, जहाँ पे ऐसे सिम्टम्स मिले उसमें सबसे पहली दवा आती है अल्टरनेट वाली कंडीशन में एब्रोटेनम। कोई भी लक्षण अगर कहीं पे आपको दिखे कि एक बीमारी सही हो रही है शरीर में तो दूसरी पैदा हो जा रही है, दूसरी सही हो रही थी ये पहली वाली फिर से वापस आ जा रही है, जहाँ पे इस तरह का सिम्टम मिले अल्टरनेट का वहाँ पे पहले आपने सोचना है एब्रोटेनम को, ठीक है? अब हम बात करते हैं एंजाइटी फ्रॉम पेन इन स्टमक। आपने अक्सर सुना होगा या देखा होगा कि पेट में दर्द से चिंता हो या बेचैनी हो पेशेंट को। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था कुछ दिन पहले की बात है, तो उसको पेट में दर्द था, स्टमक में पेन था, और स्टमक में पेन के साथ साथ में उसको और तकलीफ क्या थी कि जब स्टमक में पेन में इतना दर्द होता था कि पेशेंट बेचैन हो जा रहा था। बोले डॉक्टर साहब इतनी बेचैनी होती है कि मैं क्या करूं समझ में नहीं आता, और मैं बहुत मूवमेंट करता है, बहुत मोशन करता है, उसको थोड़ा आराम मिलता है। तो उसको मैंने अलग अलग दवाएं दी इस सिम्टम पे, उसको मैंने शुरुआत हमने किया था कई सारे मेडिसिन से जो कि पेट से संबंधित थी स्पेशली, तो वहाँ पे कई सारे मेडिसिन थे, पेट्रोलियम थी, अर्जेंटम नाइट्रिकम थी, चाइना थी, आर्सेनिक एल्बम थी, इन सारे मेडिसिन को हमने दिया, तो उससे उसको पेशेंट को आराम तो मिला लेकिन पूरी तरह से बीमारी नहीं जा रही थी। बाद में सिर्फ इसी सिम्टम पे कि एंजाइटी फ्रॉम पेन इन स्टमक, पेन में दर्द से बेचैनी हो जाती थी, इस सिम्टम पे जब उसको दिया गया एब्रोटेनम तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ, और ऑलमोस्ट चूंकि अभी दवा चल रही है तो ऑलमोस्ट सही की तरफ है। तो ये सिम्टम बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस सिम्टम पे बहुत अच्छा काम करती है ये दवा। सेकेंडली इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रेन विथ मेरेस्मस, चूंकि ये दवा आप लोग जानते हैं कि स्पेशली मेरेस्मस और रिमेटिज्म इन दो कंडीशंस के लिए जानी जाती है, बाकी काम तो बहुत सारी चीज़ में आती है लेकिन ये दो प्रोमिनेंट इसके फीचर्स हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके अंदर में मेरेस्मस की कंडीशन हो, मेरेस्मस मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं सुखंडी रोग, मतलब सूखा रोग बोल जिसको बोलते हैं, उसके साथ में बच्चों में अगर इरिटेबिलिटी हो, चिड़चिड़ापन हो, तो वहाँ पे ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ये माइंड का सिम्टम है कि ऐसे बच्चे जब आपके सामने आए जिसके अंदर में चिड़चिड़ापन हो और साथ में मेरेस्मस की कंडीशन हो, तो वहाँ पे इसको पहले आप सोच सकते हैं, ठीक है? फिर सैडनेस, यानी जो बच्चा होगा या जो बूढ़ा बड़ा बूढ़ा होगा उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, बच्चा है तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, बड़े हैं तो उसके अंदर में उदासी होगी, डेस्पोंडेंसी होगी, निराश होगा, जीवन से बड़ा निराश होगा पेशेंट, डिजेक्शन होगा, खिन्न होगा, उसको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा होगा, उसको हर चीज़ से खिन्नता, मतलब उसको हमेशा डिजेक्ट किसी चीज़ में उसको आनंद नहीं महसूस हो रहा, हमेशा उसको लगता है कि नहीं ज़िंदगी में कुछ नहीं है, निराश है, बीमारी है तो सही होने का नाम नहीं ले रही है, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है? डिप्रेशन की कंडीशंस होती है, अवसाद में चला जाता है पेशेंट, ठीक है? और ये सारी कंडीशंस अगर सूखा रोग के साथ में है, मतलब मेरेस्मस के साथ में है, अच्छा ये मेरेस्मस सिर्फ बच्चों में हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपने ऐसे भी पेशेंट देखे होंगे जो कि बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, बड़े मतलब उनकी एज बढ़ जाती है, मतलब 20-30 साल, जनरली ये 6 से 12 साल की कंडीशन में होता है, लेकिन अगर उसके बाद भी ये कंडीशंस होती है तो वहाँ पे भी ये दवा काम करती है, ठीक है? वहाँ पे क्या सिम्टम आएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा जो एक सिम्टम इसका होता है आगे जिसके बारे में बात करेंगे, वहाँ पे मेटास्टेसिस की कंडीशंस होगी, मतलब वहाँ पे
इस सिम्टम के साथ में मेटास्टेसिस आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक बीमारी दूसरी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो सिम्टम है वो होता है डिल्यूजन। ये सिम्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेयर सिम्टम है, लेकिन अगर ये सिम्टम मिलता है तो कोई भी बीमारी हो आप आंख मूंद करके दवा दीजिए, पेशेंट सही हो जाएगा। उसमें क्या होता है, डिल्यूजन दैट ही हियर्स वॉइसेज इन बेड विच सीजेज वेन लिसनिंग इंटेंसली, मतलब भ्रम होता है पेशेंट को कि बिस्तर में उसको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, और जब वो ध्यान से सुनने जाता है तो आवाज़ बंद हो जाती है। अगर कोई पेशेंट इस तरह का बात बताए तो वहाँ पे सिंगल मेडिसिन है एब्रोटेनम, बहुत ही बेहतरीन दवा है इस सिम्टम पे। अगर ये सिम्टम मिलता है कि जब पेशेंट बताए कि डॉक्टर साहब मैं बिस्तर में जाता हूँ तो मुझे कुछ आवाज़ लगता है सुनाई दे रही, लेकिन जब मैं ध्यान से सुनने की कोशिश करता हूँ तो आवाज़ बंद हो जाती है, तो ये स्पेशली दवा है इस सिम्टम पे। नेक्स्ट इसका माइंड का जो सिम्टम होता है वो होता है क्रुएल्टी या क्रूर पेशेंट होता है, या ब्रुटैलिटी होता है, निर्दयी होती है पेशेंट जो होता है वो। अगर बच्चा है तो बहुत ही इतना क्रूर होगा कि आप देखें कि बच्चा दुबला पतला होता है। आपके सामने ऐसे पेशेंट आते हैं कि बड़े छोटे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, समस्या होती है उनको, पेशेंट कितना भी खाता पीता है, माँ बाप बताते हैं कि डॉक्टर साहब जितना भी पेशेंट खाता है उसको लगता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, और बहुत ही क्रूर होता है। ठीक है, निर्दयी होता है। तो वैसी कंडीशन के लिए एब्रोटेनम बेस्ट दवा है। फिर एक सिम्टम होता है ड्रीम्स ऑफ बाइटिंग अ मैड डॉग, मतलब पागल कुत्ता काट रहा है, ऐसे सपने अगर आते हैं। इस सिम्टम पे रूमेक्स भी बहुत अच्छी दवा है, एक दो दवाएं और हैं लेकिन ये दो दवा सबसे प्रोमिनेंट है, रूमेक्स एंड एब्रोटेनम। अगर पागल कुत्ता काटने का सपना आए किसी पेशेंट को, जब हम सपने के बारे में पूछते हैं, देखिए होता क्या है कि जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं तो हमारा काम ये होता है कि हम उससे सारी वो चीज़ें निकाल के ले रहे आएँ, क्योंकि हमको अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आना है, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये जानना है, तो वहाँ पे हमको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसके ऐसे ऐसे सिम्टम पे जहाँ पे वो ये बताए कि उसको क्या तकलीफ है, जैसे उसके शरीर में क्या तकलीफ है ये एक अलग बात होती है, उसको क्या तकलीफ है जब हम ये पूछते हैं, उसके शरीर में जब बताता है तो वो पर्टिकुलर के बारे में बात करता है। थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ, ये होती है केस टेकिंग के बारे में, कि जब हम केस टेकिंग करते हैं तो जब पेशेंट ये बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे मेरे शरीर में यहाँ पे ये तकलीफ है, तो ये क्या हो गया, मेरे शरीर में यहाँ पे ये तकलीफ है, इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर सिम्टम है। हमको जनरल सिम्टम पे दवा देनी होती है, पर्टिकुलर तो है लेकिन मेन जो है जब हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन की बात करते हैं तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हम उससे वो सवाल पूछें जिसको वो इस तरीके से बताए कि आपको क्या तकलीफ है, आपको मतलब उसका जो इनर सेल्फ है, उसको जो अंदर अंतरात्मा उसकी है, जो अंदर बैठी हुई है, उसको क्या तकलीफ हो रही है। जब वो बताएगा उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, उसको क्या दिखता है क्या महसूस होता है, तो जब हम इस तरह के सिम्टम्स पूछते हैं तो वहां पे उसका हम एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे होते हैं, और यहीं से निकल के आती है कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन। तो वहां पे एक सवाल ये भी आता है ड्रीम्स के बारे में, हम उसके ड्रीम्स के बारे में पूछते हैं पेशेंट से कि आपको सपने आते हैं क्या, कोई ऐसा सपना जो बार बार आता है, या कोई सपना है जो कि आपको आता रहता है, या आपको किस तरह के सपने आते हैं। इस तरह के जब हम सवाल पूछते हैं तो वो उसको डिस्क्राइब करता है कि हमको ये सपने आते हैं। तो अगर कभी पेशेंट ऐसा बताए कि मुझे ऐसा डॉक्टर साहब फील होता है कि मुझे लग रहा है कि पागल कुत्ता काटने का सपना बहुत अक्सर आता है, कि लग रहा है मुझे पागल कुत्ता काट रहा है या कोई मुझे कुत्ता काट रहा है, तो इस सिम्टम पे आपको ये दो दवा जरूर ध्यान रखनी है, पहली एब्रोटेनम दूसरी र्यूमैक्स। ठीक है, तो इसका ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके गाइडिंग इंडिकेशंस कौन से होते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से सिम्टम हैं जो कि गाइड करते हैं कि एब्रोटेनम दवा की आवश्यकता है। इसको और डिटेल में हम बात करेंगे कंफर्मेटरी और दूसरे सिम्टम्स के बारे में, लेकिन गाइडिंग इंडिकेशंस वो सिम्टम्स होते हैं, इसको समझ लीजिए, जिसको देखने के बाद में ध्यान में हमको आए कि हाँ हमको एब्रोटेनम की आवश्यकता है। गाइडिंग इंडिकेशंस में जो पहला इंडिकेशन होता है वो होता है इमेशिएशन फ्रॉम बिलो अपवर्ड। इमेशिएशन मतलब शरीर का दुबला पतला होते जाना। बच्चा जब छोटा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे बड़ा होता है वो दुबला पतला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कंडीशन ये होती है कि
बिलो अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या है कि उसमें जो इमेसेशन दिखेगा वो नीचे से मतलब पैरों में, ऊपर का शरीर तो पहले ठीक लगेगा, ऊपर का शरीर नॉर्मल लगेगा, लेकिन पेशेंट के जो अटेंडेंस होते हैं वो बताते हैं डॉक्टर साहब बच्चे का पैर सूख रहा है, सूखा रोग इसको बोलते हैं, सूखा रोग हो रहा है लेकिन शुरुआत नीचे से हो रही है ऊपर की तरफ। अगर नीचे से शुरुआत ऊपर की तरफ हो तो वहाँ पे एब्रोटेनम बेस्ट दवा है, लेकिन इमेसिएशन फ्रॉम एबव डाउनवर्ड अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो वैसी कंडीशन में सेनिक्यूला, लाइकोपोडियम, नेट्रमयूर ये दवाएं सामने आती हैं। ठीक है कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो सेनिक्यूला, लाइकोपोडियम, नेट्रमयूर दवा आती है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर की तरफ हो तो वहां पे एब्रोटेनम दवा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम इसका है इमेसिएशन इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन यानी बच्चों में इमेसिएशन हो और बच्चे का जो चेहरा हो पीला हो, शरीर पीला हो, हॉलो आइड हो मतलब आंखें धसी हुई हो, ओल्ड फेस हो बुढ़ो जैसा दिख रहा हो, ब्लू रिंग्स अराउंड आइज मतलब आंखों के किनारे किनारे नीला घेरा बन जाए। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनको बॉडी में मतलब चेहरा धसा हुआ है, गाल धसे हुए, आंखें धसी हुई, काला नीला रिंग बना हुआ है आंखों के चारों तरफ, तो वैसे बच्चों को देख करके हम पहचान सकते हैं। ऐसे बच्चे अगर आपको देखने को मिले पैरों में, आपको दिख रहा है कि पतलापन है, पतला बिल्कुल पैर पतले हो गए हैं, तो वहां पे आप आंख मूंद करके एब्रोटेनम देंगे 30 या 200 पोटेंसी में तो बेस्ट काम करेगी। ठीक है, सेकेंड रेवेनस एपेटाइट, रेवेनस मतलब राक्षसी, एपेटाइट मतलब भूख। ऐसे बच्चे जिनके अंदर भूख बहुत ज्यादा हो, आगे लिखा हुआ है चाइल्ड ईट्स वेल एट लॉसेस फ्लैश, बच्चा खूब खाता है लेकिन फिर भी वो दुबला पतला, लॉसेस फ्लैश, फ्लैश मतलब जो मांस होते हैं, मांस फिर भी कम होता चला जाता है, लॉस होता चला जाता है। आपने अक्सर ये सिम्टम सुना होगा, पेशेंट के अटेंडेंस आते हैं, अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चे को लेकर के आए थे, उनके अटेंडेंस 2-3 दिन पहले की बात है। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब बच्चा ऐसा है कि बड़ा चिड़चिड़ा है, उसको देख के लग रहा था मतलब बड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव था और कुछ भी खाता है लेकिन वो दुबला पतला ही है। ठीक है, और वहीं पे उसकी बहन थी, वो भी आई थी, उनको भी दिखाया उन्होंने, अभी 2 दिन पहले की बात है। तो बोले कि ये बहुत कम खाती है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा मोटी है, मोटी होती चली जा रही है, दोनों अपोजिट हैं। तो मुझे ये चीज़ याद आई कि ऐसी कंडीशन में हम क्या देते हैं, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। एब्रोटेनम तो पहली दवा है, साथ में आयोडम, नेट्रमयूर, सेनिक्विला और ट्यूबरक्लिनम, ये इन दवाओं से हम इसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जिनको रेवेनस एपेटाइट होती है, अब इसका कारण क्या होता है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगने का कारण क्या होता है, कि क्यों ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ठीक है, इस टॉपिक में मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था कि पेशेंट के अंदर में बहुत ज़्यादा भूख तब लगती है जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि उसकी भूख बढ़ जाए, अगर भूख बढ़ी हुई दिख रही है आपको तो समझ लीजिए कि उसका अंदर का मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए पूरा बॉडी हमारा करोड़ों अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है, हर कोशिका अपने आप में परिपूर्ण है, मतलब हर कोशिका के अंदर में वो सारा काम होता है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर में क्या क्या काम होता है, मोटा मोटा समझ लीजिए कि बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, हमको एनर्जी चाहिए होती है और हम सेक्रीशंस करते हैं, उसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है उसका सेक्रीशन करते हैं। ठीक है भाई, खाना पचता है वो सब जाता है, तो वैसे ही हमारी कोशिका के अंदर भी होता है। अब कोशिका के अंदर क्या होता है कि कोशिका के अंदर में भी अंदर चीजें होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर में राइबोसोम्स होते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वॉल्जी अपरेटस होता है, सब कुछ होता है। अब वहाँ पे जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है एटीपी के रूप में। ठीक है, अब ये चीज़ें अगर समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है,
इसको ऐसे समझिए आप लोग कि शरीर में मेटाबॉलिज्म जो होता है वो होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, ठीक है, कोशिका के अंदर में होता है। वहाँ पे क्या होता है कि वो एनर्जी जाती है, मतलब वहाँ पे जो ग्लूकोज है वो फॉर्म में जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उससे उसके बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं वो बाहर निकल आते हैं। बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है? बाई प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड बनता है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग काम करते हैं तो काम करते करते क्या होता है कि जब हम ज्यादा काम कर लेते हैं तो थकान सी महसूस होने लगती है। या आप कोई भी काम कर लीजिए, आप मान लीजिए खेत में काम कर रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, तो आप देखेंगे कि फावड़ा चलाते चलाते एक कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे लगता है हाथ और पैर जवाब दे गए हैं, उसमें काम ही नहीं कर पा रहा है। तो उसका कारण क्या होता है कि जब हम हाथ पैर काम करते हैं तो वही प्रक्रिया हमारी करोड़ों जो सेल्स हैं पैर में या हाथ में, जो भी काम, जैसे मान लिया हम लिख रहे हैं सपोज, तो लिखते लिखते एक कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे लगता है कि अब हाथ ही नहीं चल रहा। क्यों ऐसा होता है? इसको समझिए क्यों ऐसा होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम अब हाथ से हम काम करें तो हाथ में भी बहुत सारी करोड़ों अरबों सेल्स हैं, तो उनके अंदर में सेम ये प्रोसेस चल रहा है। तो जब हम काम करते जाते हैं तो जितनी भी कोशिकाएं हैं वो लगातार एटीपी का प्रोडक्शन कर रही है, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए लिखने के लिए, तो एटीपी का प्रोडक्शन तो हो रहा है कोशिकाओं में, लेकिन साथ में उसके जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो होता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या होता है कि जा करके इकट्ठा हो जाता है हमारी कोशिकाओं के अंदर में। और लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है कि वो शरीर जैसे सुन्न सा पड़ जाता है, जाम सा हो जाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है कि हम थकान महसूस करते हैं। और फिर हम जब वापस, अच्छा, लैक्टिक एसिड की एक खास बात और भी होती है कि जब ये इकट्ठा होता है तो किसी काम का नहीं होता, मतलब ये कि सब कुछ काम रोक देता है ये, लेकिन कुछ देर अगर हम इसको रोक दें तो ये वापस ब्लड में मिक्स होकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, अपने अपनी जगह पे ये शिफ्ट हो जाता है, दूसरी जगह पे चला जाता है, तो हमको फिर से आराम मिल जाता है। तो आपने देखा होगा कि आप दो काम करें, या तो रेस्ट करें, दूसरा पानी पी लें, तो पानी में क्या होता है, ये डायल्यूट हो जाता है, फॉर्म चेंज हो जाता है इसका। तो जब हम पानी पी लेते हैं या रेस्ट कर लेते हैं तो ये क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड, जैसे हमने हाथ से काम किया तो हाथ में इकट्ठा हो गया, जो मसल्स में इकट्ठा हो गया, पैर से काम किया तो जो काफ मसल्स होती हैं इसमें जहाँ जहाँ इकट्ठा होता है, तो वहाँ से वो बॉडी में फिर से सर्कुलेट होने लग जाता है या वापस निकल जाता है, किडनी के माध्यम से चेंज हो जाता है इसका रूप। तो क्या होता है कि चूंकि ये बाहर निकल जाता है, बना कहाँ, कोशिका के अंदर में, इकट्ठा कहाँ हो गया, बॉडी में जिससे हम काम कर रहे थे वहां पे, और ये वापस भी जब बाहर निकल जाता है तो हम फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं, ठीक है, आराम कर लेने पे या पानी पी लेने पे या कुछ ड्रिंक ले लेने पे। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जब भी काम करें तो लगातार करने के साथ साथ में बीच में थोड़ा ब्रेक ले लें, तो इससे क्या होता है आप फिर से एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई कि एटीपी का कितना रोल है या एक कोशिका का कितना रोल होता है, जहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है और वापस लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो मैं बेसिकली जो चीज समझाना चाह रहा था वो था हमारा रेवेनस एपेटाइट के बारे में, ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है, ये जब तेज हो जाती है, जब तेज हो जाती है तो बॉडी से ज्यादा इसको ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक है। जब ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है तो ये क्या काम करती है कि अब ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, उसको ग्लूकोज कहाँ कहाँ से मिल सकता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ग्लूकोज मिलता है एक तो हमारे भोजन से, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, या डायरेक्ट ग्लूकोज लेते हैं। डायरेक्ट ग्लूकोज का मतलब होता है जिसमें चीनी लेती है, ठीक है ना, हमने चीनी ले लिया या कुछ ऐसी चीज ले ली, फ्रक्टोज ले लिया, ये सारी चीजें तो डायरेक्ट फॉर्म में होती है। दूसरा क्या होता है कि हमने भोजन ले लिया, जैसे भोजन में हमने क्या ले लिया, चावल खा लिया या जो भी हम खाते हैं, वो मंड के रूप में होता है, तो वो वापस क्या होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फिर वापस ग्लूकोज के अंदर में, ठीक है ना। तो या हमने प्रोटीन ले लिया या हम फैट ले रहे हैं, तो जिस भी रूप में लेते हैं ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के रूप में, अलग अलग इसमें साइकिल्स होती है, ठीक है, तभी उतना डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया, तो उसको चाहिए ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जिस भी रूप में रहेगा वो उसको चाहिए, ठीक है। तो अब जब भूख ज्यादा लगती है, वो इस वजह से लगती है क्योंकि शरीर को रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिज्म तेज है, तो मेटाबॉलिज्म जब तेज होता है तो रिक्वायरमेंट इसकी होती है, तो वो ज्यादातर लेता है इन सारी चीजों से। अब ज्यादा भूख इसलिए लगती है कि मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो आप देखिए ऐसे बच्चों को बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे इसका उल्टा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म अगर धीमा हो जाता है तो ऐसे बच्चे बड़े सुस्त होते हैं, क्योंकि उनके अंदर में सब एनर्जी इकट्ठी हो रही है, मतलब
क्या होता है, एनर्जी का पूरा यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है, तो वो जो एनर्जी है, वो जो ग्लूकोज जो कन्वर्ट हुआ एटीपी के रूप में, वो वापस कन्वर्ट हो जाता है फैट के रूप में, और फैट बॉडी में इकट्ठा होता चला जाता है। जब फैट इकट्ठा हो जाता है तो शरीर क्या होता है, फैटी हो जाता है, मोटा हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता वैसा जैसा उसको करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे बच्चे जिनके अंदर भूख ज़्यादा लगती है, दुबले पतले होते चले जाते हैं, क्योंकि उनको जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो वो जो जहाँ पे एनर्जी है वो फैट के रूप में है, तो वहाँ से लेना शुरू कर देते हैं, इसीलिए शरीर दुबला पतला होना शुरू हो जाता है। क्लियर है ना? तो इस वजह से भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, ऐसे इसको समझ लीजिए मोटा मोटा, है ना? ठीक है, इसलिए वो दुबला पतला होता जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तेज हो गया तो अलग अलग जगह से फैट को लेना शुरू कर देता है शरीर में, जहाँ जहाँ फैट इकट्ठा होता है। फैट कहाँ कहाँ पर इकट्ठा होता है, जो नीचे काफ मसल्स होती है, पेट का पोर्शन होता है, हाथ होते हैं, ठीक है ना, हाँ जहाँ जहाँ फैट इकट्ठा हो गया उन सारी जगह से, या जो ये वो पोर्शन होता है हिप का जो पोर्शन होता है, ग्लूटियस मसल्स होती हैं, वहाँ से लेना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें कि दुबली पतली होनी चली जाती हैं, जहाँ जहाँ पे मांस इकट्ठा होता है वो वहाँ से लेना शुरू कर देता है। तो ये बात हो गई रेवेनस एपेटाइट के बारे में, क्यों होता है, ठीक है, और किस वजह से होता है। अब हम बात करते हैं मेटास्टेसिस के बारे में। मेटास्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस ऐसी कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे रोग का चला जाना, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। इसको आगे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? तो ये क्लियर है ना? एक जगह से दूसरी जगह पे जब कोई बीमारी चली जाती है तो उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। जैसे आगे लिखा हुआ है, रूमेटिज्म ज्वाइंट्स टू हार्ट टू स्पाइन टू मम्स, जिसको कंठमाला रोग बोलते हैं, टू मेमोरी ग्लैंड टू टेस्टिस पैंक्रियाज एटसेट्रा। मतलब रूमेटिज्म यानी गठिया का बीमारी, जो गठिया की बीमारी होती है वो एक जोड़ से, अब वो किसी भी जोड़ से हो सकती है, एक जोड़ से अगर वो हार्ट में चली जाए या हार्ट के सिम्टम्स आने लगे, पता चला कि यहाँ से तो ठीक हो गई लेकिन अब वो हार्ट के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो पहली दवा हमारे दिमाग में कौन सी आनी चाहिए? एब्रोटेनम। या स्पाइन में चली जाए, स्पाइनल कोई डिजीज हो जाए, कोई भी बीमारी हो सकती है, स्पाइन में दर्द होने सकता है, बैक में पेन हो सकता है, बैक में कोई ट्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमको ये हिस्ट्री क्यों जाननी जरूरी होती है, इसलिए जरूरी होती है कि जब हम हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि पहले कोई बीमारी तो नहीं हुई थी, पहले किसी चीज़ की दवा तो नहीं ली थी आपने, तो वहां पे जब पेशेंट अगर ये बताए कि डॉक्टर साहब हमको पहले जोड़ों में दर्द था, उसकी हमने दवा करी, बाद में हमको ब्लड प्रेशर या बीपी की शिकायत हो गई, बाद में हमको नाक से ब्लड आने लगा, मुंह से ब्लड आने लगा, लैट्रिन से ब्लड आने लगा, इस तरह का सिम्टम अगर पेशेंट बताता है, तो वहां पे ये दवा आती है। साथ में आप ब्रैनिया भी सोच सकते हैं, ठीक है, आगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगर ये सिम्टम आता है कि स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हुआ, या मम्स हो गया जिसको कंठमाला रोग बोलते हैं अंग्रेजी में, यहाँ से आपकी पिक्चर लगा हुआ पैरोटिडाइटिस, पैरोटिड ग्लैंड में सूजन स्वेलिंग हो जाए, जिसको पैरोटिडाइटिस बोलते हैं, मतलब जिसमें आइटिस लग जाए उसमें स्वेलिंग उसका मतलब होता है, तो पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाए इसको कंठमाला रोग बोलते हैं, मम्स बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है ये, ठीक है? तो ये हो जाए, ठीक है, इसको गलसुआ भी बोलते हैं, ये सूजन हो जाए इसके अंदर में, या मेमोरी ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाए, मेमोरी ग्लैंड में तकलीफ होने लगे, दर्द होने लगे, सूजन आ जाए, टेस्टिस में सूजन आ जाए, ठीक है, बीमारी जोड़ों से निकल करके वहां पहुंच जाए, पैंक्रियाज में कोई तकलीफ हो जाए, ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस में अगर मेटास्टेसिस की कंडीशन बनती है तो वहां पे एब्रोटेनम पहले आती है, फर्स्ट दवा है एब्रोटेनम, ठीक है। फिर गाइडिंग इंडिकेशंस में है अल्टरनेशन, अगर होता है अल्टरनेट करता है, मतलब जोड़ों की बीमारी ठीक होगी तो दूसरी बीमारी पैदा हो गई, उसको हमने सही किया उसकी दवा दी गई तो फिर से जोड़ों की बीमारी पैदा हो गई, तो जब अल्टरनेट होता है वहां पे, तो कोई भी बीमारी हो पहली दवा हमारे दिमाग में आती है, आना चाहिए एब्रोटेनम। लेकिन कुछ बीमारियों में कुछ दवाएं और भी हैं, जैसे रूमेटिज्म यानी गठिया की बीमारी अगर अल्टरनेट करे पाइल्स के साथ में, मतलब बवासीर हो जाए, ठीक है, लैट्रिन से ब्लड आने लगे, पाइल्स में सूजन हो जाए या कुछ ऐसी बीमारी होने लगे, तो अगर अल्टरनेट होता है तो वहां पे कोलिनसोनिया और सेबाइनासिस को हम कंपेयर कर सकते हैं, उसमें भी ये सिम्टम पाया जाता है कि रूमेटिज्म सही हुआ, मतलब जोड़ों में दर्द था, सूजन थी, पेन था, वो सही हुआ तो ये बीमारी हो गई, वो सही हुई तो फिर से वापस ये शुरू हो गई, तो वहां पे
एब्रोटेनम को पहले सोचना है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स आते हैं वो कोलिनसोनिया और सेबाइना के भी है। अगर रूमेटिज्म के साथ में डिसेंट्री अल्टरनेट करें, ठीक है, डिसेंट्री होने लगे मतलब म्यूकस जाने लगे लैट्रिन के रास्ते में, तो वहाँ पे पहली दवा है एब्रोटेनम, दूसरी दवा है कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। रूमेटिज्म के साथ में अगर स्किन इरप्शंस आने लगे, मतलब जोड़ों का दर्द सही हुआ तो स्किन में इरप्शंस आने लगे, स्किन की कोई प्रॉब्लम आने लगी, तो वैसी कंडीशन में बेस्ट दवा है एब्रोटेनम। रूमेटिज्म के साथ में अगर कटार हो नोज में, मतलब नाक से नजला शुरू हो जाए, तो वैसी कंडीशन में बेस्ट दवा है एब्रोटेनम। ठीक है, अगर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट होने लगे, हमने क्या बात करी कि अल्टरनेशन होना चाहिए, ठीक है, तो अल्टरनेट अगर होता है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का, मतलब डायरिया सही हुई तो कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया, कॉन्स्टिपेशन सही हुआ तो फिर से वापस डायरिया आ गई, तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वैसी कंडीशन में पहली दवा है एब्रोटेनम। साथ में कई दवाएं हैं जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें एंटिम क्रूड है, एंटिम टार्ट है, चेलिडोनियम है, पोडोफाइलम, नक्स वोमिका, सल्फर, वेरेक्टम एल्बम, ये सारी दवाएं भी हैं। इन सारी दवाओं को जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं उन सिम्टम्स को भी हमको ध्यान में रखकर के कंपेयर करना है दवा देने से पहले। ठीक है, तो ये अल्टरनेट करते हैं। फिर है इसका जो सिम्टम आता है वो होता है माइंड सिम्टम। माइंड और फिजिकल ये दोनों जब अल्टरनेट करते हैं तब भी समझ लीजिए कि हमको वहां पे एब्रोटेनम पहले सोचना है। माइंड और फिजिकल मतलब क्या होता है, मतलब अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को देखिए या कभी कभी अटेंडेंस बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो बच्चा है मेरा ना, या घर के जो कोई बड़े बुजुर्ग हैं कोई भी है, ये किसी में भी हो सकता है कि इनको ये तकलीफ शुरू होती है, मतलब जब इनको शरीर में तकलीफ होती है, जैसे मान लीजिए ज्वाइंट पे पेन है, तो ज्वाइंट पे जब इसको तकलीफ होती है तो क्या होता है कि इनका जो मेंटल लेवल होता है वो बिल्कुल सही हो जाता है, मतलब बिल्कुल उनका जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, ये सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। या डिल्यूजन्स जो होते हैं, इस टाइप की जो चीज़ें बताते हैं कि हमको कुछ सुनाई देता है, ये होता है, वो होता है, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब इनका शारीरिक रूप से जब उनको आराम मिलता है, फिजिकली जब उनको आराम मिलता है, तो उनको अजीब अजीब बातें कहने लगते हैं, कुछ बातें बकने लगते हैं कि हमको ये सुनाई दे रहा है, हमको ये सुनाई दे रहा है, हमको ये चीज़ दिख रही है, हमको अलग अलग चीज़ें महसूस हो रही है, या चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। तो जब अल्टरनेट सिम्टम हो, देखिए अल्टरनेट इस बीमारी इस मेडिसिन में शुरू से लास्ट तक चलता है, तो इस तरह के सिम्टम जब हमारे सामने आते हैं तो वहां पे एब्रोटेनम पहले सोचनी चाहिए। और भी दवाएं हैं, ठीक है, स्टामोनियम है और कई सारी दवाएं, लेकिन पहली दवा हमारे दिमाग में आनी चाहिए एब्रोटेनम। ठीक है, फिर हेडेक अगर अल्टरनेट करता है हेमोराइड के साथ में, मतलब सिर में दर्द है, आराम मिला तो हेमराइड शुरू हो गया है, यानी बवासीर की तकलीफें शुरू हो गई, पाइल्स की तकलीफें शुरू हो गई, और ये सही हुआ तो सिर में दर्द होने लगा, ये भी अक्सर पेशेंट में आता है। अभी मुझे याद है, अभी कुछ एक दिन पहले की बात है, अभी एक मैं ऑनलाइन पेशेंट देख रहा था, तो उन पेशेंट को सेम यही चीज़ थी, मतलब क्या था कि उनको हेमराइड्स की कंडीशन थी और अल्टरनेट कर रहा था हेडेक के साथ में, कि उसमें आराम मिल जाता था तो सिर में दर्द हो रहा था, सिर में दर्द होता था तो इसमें आराम मिलता था, तो हेमराइड्स की कंडीशन यानी पाइल्स की तकलीफ बढ़ जाती थी। तो जब भी आप हेमराइड्स के साथ में अगर हेडेक के सिम्टम्स आपको मिले और अल्टरनेट रूप में मिले, तो वहाँ पे आप जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसके साथ में एब्रोटेनम को जरूर एक बार कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम है कार्डियक सिम्टम्स। कार्डियक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेन इन ज्वाइंट्स। देखिए कार्डियक सिम्टम में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाए, ज्वाइंट में तकलीफ हुई, आराम मिला बाद में, जैसे मैंने बताया ना कि बीपी जब बढ़ जाती है कभी कभी तो नाक से या मुंह से ब्लड आने लग जाता है, या कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जो बीपी की शिकायत होने लगे, चेस्ट में पेन होने लगे। इसका पेन का एक बड़ा खास सिम्टम होता है, प्रिकिंग पेन होता है, मतलब चुभने वाला दर्द होता है। ये सिम्टम और भी मेडिसिन में है, ब्रैनिया में भी है, काली कार में भी, बहुत सारे मेडिसिन में इसका है, प्रिकिंग पेन, चुभने वाला दर्द। ठीक है, और रिलीफ बाय क्या था इसमें, मोशन, चलने फिरने से आराम हो जाए। ठीक है, तो वहां पे बेस्ट दवा है एब्रोटेनम।
तो कार्डियक सिम्टम अगर ज्वाइंट पेन के साथ में आया और साथ में प्रिकिंग पेन हो, चुभने वाला दर्द हो, चलने फिरने से आराम मिल जाए, लगता है कि रस्टॉक्स दें, लेकिन एक बार ये सिम्टम जरूर ध्यान दे दीजिएगा कि कार्डियक सिम्टम्स अल्टरनेट तो नहीं कर रहा है, या कोई सिम्टम अल्टरनेट तो नहीं कर रहा है। अगर ये सिम्टम मिले तो एक बार एब्रोटेनम को जरूर सोचना है। नेक्स्ट सिम्टम है वो है एक्जुडेशन इंटू प्लूरा। एक्जुडेशन मतलब क्या होता है? एक्जुडेशन मतलब ये है कि जब किसी से सेक्रीशन निकल जाए और जाके कहीं पे इकट्ठा हो जाए, ठीक है, जैसे प्लूरा, यानी जब प्लूरल इफ्यूजन हो जाए, जिसको हमने बात हम अभी कर रहे थे, जैसे प्लूरिसी होती है, ठीक है, वहाँ इकट्ठा हो जाए, मतलब उसकी जो दोनों लेयर्स है उसके अंदर में एक्जुडेशन इकट्ठा हो गया, पस हो गया, इकट्ठा हो गया, या वाटर इकट्ठा हो गया, या ज्वाइंट्स में जिसको हम बोलते हैं सीरस फ्लूइड, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिसका जो बेसिक जो सिम्टम होता है वो होता है सीरस मेम्ब्रेन पे इसका असर होता है। तो सीरस मेम्ब्रेन पे जब असर होगा तो सीरस मेम्ब्रेन से क्या निकलता है? सीरस फ्लूइड, वो जाके इकट्ठा हो जाता है जहाँ पे, वो प्लूरल कैविटी में जाके इकट्ठा हो जाता है। अब ये प्लूरल कैविटी या कोई भी कैविटी में इकट्ठा हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में पहली दवा हमको सोचनी चाहिए एब्रोटेनम। अब ये कैसी कैसी कंडीशन हो सकती है, जैसे जैसे लिखा हुआ है प्लूरा, प्लूरा मतलब हो गया जो हमारी प्लूरल कैविटी, वहाँ पे अगर एक्जुडेशन इकट्ठा हो जाए तो उसकी वजह से अगर प्रिकिंग पेन हो, आपने कभी कभी देखा होगा। अब ये सिम्टम्स कैसे आएंगे आपको? पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरे चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है, और ऐसा लगता है कि चुभने वाला दर्द है, जैसे लग रहा कुछ चुभ रहा हो, और जब मैं चुपचाप पड़ा रहता हूँ तो तकलीफ बढ़ जाती है, मैं चलता फिरता रहता हूँ तो आराम मिलता है, हाथ से ऐसे होल्ड कर लेता हूँ तो आराम मिल जाता है। होल्ड करने पे आराम मिलने में आपको ब्रैनिया भी है, काली कार भी है, लेकिन चलने फिरने से आराम मिलना ये एब्रोटेनम में है। तो चुभने वाला दर्द हो, चेस्ट में दर्द हो, ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है। प्लस ऐसी ही कंडीशंस प्रिकिंग पेन होती है ज्वाइंट्स में, किसी भी ज्वाइंट्स में हो सकती है, और कारण क्या होता है? सेम यही सीरस फ्लूइड का जो एक्सुडेशन होता है वहाँ पे, उसकी वजह से ये तकलीफ होती है। या नेवल में, यानी नाभि में अगर तकलीफ हो इस तरह की, या वहाँ से एक्सुडेशन हो, ठीक है, एक्सुडेशन मतलब वहाँ से सेक्रेशन का डिस्चार्ज हो, तो वहाँ पे दवा दिमाग में आती है एब्रोटेनम। नेक्स्ट सिम्टम लिखा हुआ ऊजिंग ऑफ ब्लड और मॉइस्चर फ्रॉम नेवल। अगर नाभि से ऊजिंग हो, या तो ब्लड का या मॉइस्चर, वहाँ पे पानी जैसा या चिकनापन मॉइस्चर अगर निकले वहाँ से, ये अक्सर आपको बच्चों को देखने को मिलेगा, बच्चों के अंदर में, कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद में आप देखेंगे कि नाभि से कभी कभी क्या होता है, ब्लड निकलता है, कभी कभी वाटरी डिस्चार्ज होता है, कभी कभी यूरिन या स्टूल पास होने लग जाता है। तो अगर यूरिन निकल रहा है तो वहाँ पे हायोसाइमस दवा देंगे, लेकिन अगर वहाँ पे इस पास हो रहा है ब्लड या मॉइस्चर पानी जैसा पास हो रहा है, तो उस कंडीशन में एब्रोटेनम बेस्ट दवा है उस चीज़ की, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमको इसका ध्यान देना चाहिए, ठीक है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हायोसाइमस से। अगर उसमें से यूरिन पास हो रही है तो हमको वहाँ पे देना है हायोसाइमस। अगला इसका सिम्टम है वीकनेस, कमजोरी। अगर वीकनेस हो आफ्टर इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के बाद अगर वीकनेस हो, कमजोरी महसूस हो, आफ्टर हेक्टिक फीवर, हेक्टिक फीवर क्षय रोग जो कि अल्टरनेट करके आता रहता है, ऐसी कंडीशन के बाद अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो, ऐसी कंडीशन हो कि पेशेंट कहे कि मैं अपना सिर होल्ड नहीं कर सकता, आई कैन नॉट होल्ड अप हेड, सिर को होल्ड नहीं कर सकता, ये आपने सल्फर में सुना होगा, सल्फर का पेशेंट कैसा होता है, सिर को होल्ड नहीं कर सकता है, वो हमेशा गिर जाता है, कितना भी करता है पेशेंट, बच्चा ऐसे कर जाता है, इसको सल्फर से कंपेयर कर सकते हैं इस सिम्टम पे। तो ऐसी कंडीशन में जब कितनी कमजोरी हो कि पेशेंट अपना होल्ड न कर पाए हेड को, और स्पेशली इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम बुखार, इन कंडीशन के बाद अगर ऐसी कंडीशन हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सल्फर के साथ साथ में हमको एब्रोटेनम पे जरूर ध्यान देना चाहिए। सेकेंड सिम्टम है इसका पर्सपरेशन ऑफ होल बॉडी एट नाइट। रात के समय में बहुत ज़्यादा पसीना का होना, तो अगर रात में बहुत ज़्यादा पसीना हो तो वैसी कंडीशन में ज़्यादातर ये क्षय रोग में होता है, ठीक है,
रात में पसीना होना, जैसे आप देखिए ट्यूबरक्लोसिस वगैरह में होता है, ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है कि रात में बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा, तो वैसे कंडीशन में वीकनेस हो इसके साथ में, तो एक बार ज़रूर ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। ये भी इसका एक गाइडिंग सिम्टम होता है। वांडरिंग पेन्स, हम बात कर रहे थे वांडरिंग सिम्टम्स के बारे में, मतलब एक सिम्टम दूसरे सिम्टम में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी सिम्टम आता है कि पेन अगर वांडर करे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, ठीक है, तो वैसी कंडीशन में भी एब्रोटेनम आता है। अब पेन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाए तो और कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं, पल्साटिला, इग्नेशिया, कालीबाइक्रोम, है ना, ये सारी दवाएं हैं, और भी दवाएं हैं, उसमें एक दवा है हमारी एब्रोटेनम भी, जब पेन वंडर करता है, मूव करता है। हमको ध्यान किस चीज़ पे देना है, इसके साथ में सिर्फ ये सिम्टम मिल जाए तो हमको तुरंत नहीं इसको दे देना है, इससे साथ में इसके जो कन्फर्मेटरी सिम्टम्स के बारे में आगे हम बात करेंगे, वो सिम्टम्स भी आपको मिलने चाहिए, ठीक है, या अल्टरनेट होना चाहिए। फिर है GIT, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT का फुल फॉर्म होता है। अब GIT में क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज स्टूल आफ्टर एक्यूट डायरिया, एक्यूट डायरिया के बाद में अगर टेंडेंसी हो कि लूज स्टूल आए, जैसे डायरिया हुई, डायरिया समाप्त होने के बाद में लूज स्टूल आए, मतलब लूज मोशन, डायरिया वाली कंडीशन नहीं है लेकिन लूज स्टूल लूज अगर आ रही है, ऐसी टेंडेंसी अगर हो तो वहां पे भी एक बार ध्यान देना चाहिए एब्रोटेनम के बारे में। समझ में आ गई बात में, कि डायरिया हुई, डायरिया ठीक हुई, या डायरिया के बाद लूज स्टूल कुछ समय तक आ रहा है। वॉकिंग ऑन स्टूपिंग इम्पॉसिबल फ्रॉम डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, मतलब पेट फूला हुआ है, ठीक है, लेकिन चलना या झुकना इम्पॉसिबल हो, ऐसी कंडीशन में भी एब्रोटेनम सोचना चाहिए। जब पेशेंट ये बताए कि डॉक्टर साहब मेरा पेट में, पेट गैस में भरी हुई है और मेरा चलना या झुकना मुश्किल है, ऐसे पेशेंट मिलते हैं, ऐसे पेशेंट आपको आएंगे, वो यही बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं, इतना पेट में गैस भरा हुआ है, इतना पेट फूला हुआ है कि मेरा चलना और झुकना मुश्किल है, तो आपको एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये सिम्टम तो एब्रोटेनम के अंदर में है, और भी दवाएं हैं इसके साथ में, लेकिन और दवाओं के साथ में और उसके जो बेसिक सिम्टम, उसको हमको ध्यान देना चाहिए, है ना, जैसे पूरा पेट फूला हुआ है, कहीं से गैस नहीं निकल पा रही है, पेट में दर्द हो रहा है, और पेशेंट बता रहा है कि डॉक्टर साहब छूने से दर्द हो रहा है लेकिन तेज दबाते हैं तो आराम मिलता है, खूब दबा देते हैं तो आराम मिलता है, किसका सिम्टम है सर? तेज दबाने के बाद आराम होता है, कोलोसिंथ। हाँ, कोलोसिंथ, लेकिन हमने एक चीज और बोली, आपने उसको नहीं सुना, हमने एक चीज बोला कि छूते हैं तो तकलीफ होती है, हिपर में भी तो सेंसिटिव होता है, छूने के बाद दर्द होता है। हाँ, देखिए आपको अभी यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं, छूने पे दर्द हो, तेज दबाने पे आराम हो, ये किसी भी बीमारी में हो, किसी भी बीमारी में छूने पे दर्द हो लेकिन तेज दबाने पे आराम हो, एक सिंगल दवा है, सिंकोना ऑफिस नेलिस चाइना, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्पेशली अगर पेट के बारे में, फिर तो बल्ले बल्ले हैं, ठीक है, कि अगर पेशेंट बोले कि डॉक्टर साहब छूए मत, आपने अगर छू दिया तो तकलीफ, अरे डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, लेकिन आपने अगर दबा दिया, ठीक है, वहां पे आपने थोड़ा सा प्रेस कर दिया, तेज हार्ड प्रेस कर दिया, और उस बोले कि हाँ अब आप, अब आराम महसूस हो रहा है, तो समझिए कि वहां पे सिंगल दवा आपको चाइना देना और कोई दवा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये सिम्टम स्पेशली पाया जाता है चाइना के अंदर में। तेज दबाने से आराम होता है, बिल्कुल है, कोलोसिंथ में है, लेकिन छूने पे दर्द, ये सिम्टम उसमें नहीं है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव हिपर सल्फ है, लेकिन वो छूने से, वो दबाने नहीं देगा आपको, इतना हाइपर सेंसिटिव है कि आप हाथ रखेंगे तो हाथ हटा देगा, हाथ छूते उसको दर्द होगा, एक सिम्टम, आपने इसी बात हुई तो एक चीज और मैं बताऊँ आपको, पेशेंट कभी कभी अगर दूर से ही हाथ हटा दे तब कौन सी दवा देंगे, छूने ही ना दे, नहीं पता आर्निका, आर्निका का पेशेंट क्या होता है, वो छूने ही नहीं देता है,
डॉक्टर साहब एकदम आपने, हाँ रोक लेता है तो, नहीं, अरे डॉक्टर साहब छूने नहीं, तक। बस 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 हाथ पकड़ लेगा आपका डॉक्टर साहब, बस अगर ऐसा मिले, ये सिम्टम मिले तो समझ लीजिए आर्निका देना है फिर, ठीक है? और सिम्टम मैच कर लीजिए, लेकिन आर्निका दिमाग में जरूर आ जानी चाहिए, ठीक है? तो ये सारी बात हुई डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन के बारे में, कि पेशेंट का चलना झुकना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट सिम्टम है ब्लॉटेड एब्डोमेन, पेट फूला हुआ रहता है गैस की वजह से। एवर्जन टू मिल्क, इसका एक बड़ा सिम्टम होता है, अच्छा, कि पेशेंट को दूध से तकलीफ होती है, दूध नहीं पीना चाहता, दूध पीने से उसको तकलीफ हो जाती है। ये और भी दवाओं में है, कैल्केरिया कार्ब में भी है, लेकिन कैल्केरिया कार्ब का पेशेंट हेल्दी होता है, मोटा होता है, होते ना होता है। फैट, फेयर, फ्लैवी, फैटी होता है, फेयर होता है, बड़ा गोरा चिट्टा होता है, फ्लैवी होता है, थुलथुल होता है, मोटा होता है ना, ये सारे सिम्टम उसमें मिलेंगे। लेकिन इसका पेशेंट कैसा होगा, दुबला पतला होगा, पैर इसका ज़्यादा दुबला पतला होगा, देखने से दुबला पतला होगा ये, ठीक है? तो एवर्जन टू मिल्क इसके अंदर में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका कैसा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ड्राई कफ फॉलोइंग डायरिया, सूखी खांसी हो उसके बाद डायरिया होना शुरू हो, सूखी खांसी उसके बाद डायरिया, अगर ये अल्टरनेट होता है तो आपको क्या देना है, एब्रोटेनम। पेशेंट बताया कि डॉक्टर साहब सूखी खांसी होती है, वो ठीक होती है तो डायरिया हो जाती है, लूज मोशन होने लगता है, उसको सही करते हैं तो फिर सूखी खांसी होने लगती है। तो इस सिम्टम पे डायरिया। अब हम नेक्स्ट सिम्टम पे चलते हैं, एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज में सेम वही चीज है, रूमेटिज में फ्रॉम सडनली चिक डायरिया, अगर रूमेटिज में डेवलप हो कब, अगर डायरिया को अचानक चेक कर दिया जाए, मतलब किसी को लूज मोशन हो रहा था, हमने अचानक चेक कर दिया, रोक दिया, कोई भी दवा दे दिया हमने, अचानक रुक गई, और उसके बाद अगर रूमेटिज डेवलप हो गया, गठिया की बीमारी पैदा हो गई, जोड़ों में दर्द, सूजन, ये सब पैदा हो गया, दर्द पैदा हो गया, तो पहली दवा है एब्रोटेनम, ठीक है? फिर रूमेटिज में विदाउट स्वेलिंग बट गाउट विथ स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन। देखिए रूमेटिज में हमें और गाउट में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है? इसको आगे हम डिफाइन करेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी इतना तो समझ लीजिए कि रूमेटिज में विदाउट स्वेलिंग, अगर बिना स्वेलिंग के अगर रूमेटिज में है, मतलब जोड़ों में दर्द है बिना स्वेलिंग के, तो दवा कौन सी है, एब्रोटेनम। बट गाउट है विथ स्वेलिंग है एंड इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन, तो वहां पे क्या है, एब्रोटेनम, ठीक है? अच्छा, इस चीज को हम ऐसे समझ लेते हैं, स्वेलिंग जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर में इन्फ्लेमेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर में स्वेलिंग भी आ जाती है, उसके अंदर पेन भी आ जाता है, उसके अंदर रेडनेस भी आ जाती है, लॉस ऑफ एक्शन ये भी आ जाता है, ये चारों पांचों जो सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, वो सब आ जाते हैं जो हम लोग को पढ़ाया जाता है ना, वो सारे सारे आ जाते हैं। इसको आगे थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे, अभी इतना ही समझ लेते हैं। आगे हम बात करते हैं गाउट ऑफ एंकल एंड रिस्ट ज्वाइंट, अगर गाउट की कंडीशन हो, गाउट मतलब क्या है, स्वेलिंग विथ इन्फ्लेमेशन, पेन, रेडनेस, ये सब आएगा उसके अंदर में, या तो एंकल ज्वाइंट पे हो, ठीक है, या रिस्ट ज्वाइंट पे हो, यानी हमारी कलाई में, या एंकल यानी घुट्टी जिसको बोलते हैं, है ना, एक होता है नी घुटना, और उसके नीचे होती है जो उसको घुट्टी होते हैं, जो पैर का नीचे वाला पोर्शन होता है जिस पे पैर मूव करता है, तो एंकल समझ रहे हैं ना, एंकल ज्वाइंट। तो अगर उसमें गाउट की कंडीशन हो, स्विनिंग हो, दर्द हो, पेन हो, प्रिकिंग पेन हो, चुभने वाला दर्द हो, तो वहां पे एक बार जरूर सोचना है हमको एब्रोटेनम के बारे में। फिर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लिम्स, ये सिम्टम भी बड़ा आता है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन मतलब खिंचाव लिम्स में, अगर पैरों में खिंचाव हो, फ्रॉम क्रैम्प्स आर फॉलोइंग कोलिक, ठीक है, या तो क्रैम्प की वजह से हो या इसके बाद कॉलिक हो, दर्द हो, तो वहां पे भी ध्यान देना है हमको एब्रोटेनम के बारे में। अच्छा लेकिन पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन अगर है तो वहां पे अमोनियम म्यूर से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन में लिम्स में क्या क्या होता है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन में आप देखेंगे कि खिंचाव सा महसूस होता है, अब ये हो सकता है पैरों में,
लेकिन अगर ये पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन अगर हमारे पॉपलिटियल फोसा में हो तो कौन सी दवा देंगे? पॉपलिटियल फोसा समझ रहे हैं सर? पॉपलिटियल फोसा होता है हमारा जो नीचे का, जो हमारी जो नी ज्वाइंट है, घुटना जो हमारा है, ठीक है, घुटने के पीछे का जो पोर्शन होता है अच्छा अंदरूनी, वो बनाता है फोसा, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपलिटियल फोसा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रेक्शन है, खिंचाव है, कभी कभी पेशेंट बताते हैं, डॉक्टर साहब इतना खिंचाव है पीछे के साइड में कि जैसे लग रहा है पैर सीधा नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दवाएं भी आती हैं, अमोनियम म्यूर है और ये एब्रोटेनम है, लेकिन सबसे नंबर वन दवा है वहाँ पे कास्टिकम। अगर नीचे के साइड में खिंचाव हो और पीछे के साइड में, और वहाँ पे पेशेंट बोले कि डॉक्टर साहब जैसे लग रहा है कि यहाँ की ये जो है नस छोटी हो गई है, यही वर्ड होता है पेशेंट का, जैसे लग रहा है कि छोटी हो गई है, ये पूरा फैला ही नहीं पा रहे हैं हम पैर, ठीक है, वहाँ पे सोरनेस है, दर्द है, ठीक है, प्रिकिंग पेन तो होता है इसके अंदर में, लेकिन जो कास्टिका में क्या होता है उसमें सोरनेस होती है। तो वैसी कंडीशन में हमको ध्यान देना है कि क्या सिम्टम पेशेंट बता रहा है, ठीक है। तो अगर सोरनेस है, जैसे लग रहा है कि पैर की नस छोटी हो गई है, यहाँ पे फैलाया नहीं जा रहा है, तो कास्टिकम है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन है, खिंचाव है पैरों में, तो वहाँ पे अमोनियम म्यूर और एब्रोटेनम, ठीक है। साथ में क्रैम्सो, एब्रोटेनम में क्या क्या और आएगा, सिर्फ खिंचाव है तो अमोनियम म्यूर के साथ में इसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में अगर क्रैम्स भी है, खिंचाव के साथ मरोड़ भी है, तो वहाँ पे कोलोसिन से भी इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। कोलोसिन में भी क्रैम्प होता है, क्यूप्रामेट में भी क्रैम्प होता है, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। आर फॉलोइंग कॉलिक, या इसके बाद में पेट में दर्द अगर होने लगे या पैरों में दर्द होने लगे, तो वहाँ पे एब्रोटेनम दवा दी जाती है। फिर हम बात करते हैं गाउट ऑफ एंकल एंड रिस्ट ज्वाइंट्स। जब गाउट की कंडीशन हो, जो अभी हमने पूरे पीछे बात किया है कि एंकल में या रिस्ट ज्वाइंट में अगर होता है, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं रूटा जी के साथ। रूटा जी में भी एंकल में और रिस्ट ज्वाइंट में दर्द होता है, रूटा जी में और भी सिम्टम्स होते हैं इसके साथ साथ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्किन के बारे में। स्किन इसकी कैसी होती है? पर्पलिस होती है, ठीक है, पर्पल कलर का होता है। आफ्टर सेपरेशन ऑफ इरप्शंस, अगर इरप्शंस को सप्रेस करने के बाद में स्किन का कलर अगर पर्पल कलर का हो जाए, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो या आफ्टर सेपरेशन ऑफ इरप्शंस अगर पर्पल कलर का हो जाए, यानी इन सारी कंडीशन के बाद में स्किन कैसी हो जाए, पर्पल कलर की हो जाए, ये डॉक्टर मॉरिसन कहते हैं, तो वहाँ पे एब्रोटेनम दवा दी जाती है, ठीक है। सप्रेशन ऑफ इरप्शंस हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो या आफ्टर सप्रेशन ऑफ इरप्शंस हो, तो वैसी कंडीशन में स्किन पर्पल कलर की हो जाए, तो वहाँ पे एब्रोटेनम दवा दी जाती है। नेक्स्ट इसका सिम्टम है मेल जेनाइटिलिया। ये हाइड्रोसील अगर अगर बच्चों को हो, बच्चों के हैं, बच्चे हैं, बच्चों का अगर हाइड्रोसील हो जाए, उनका जो पोता बोलते हैं हम लोग या टेस्टिस बोलते हैं, वृषण बोलते हैं हिंदी में, उसके अंदर अगर स्वेलिंग हो, तो उस कंडीशन में अगर बच्चों में हो स्पेशली, जैसे बड़ों बुजुर्गों में होता है, तो वहाँ पे हम दूसरी दवाएं देते हैं, आर्निका है, चोट की वजह से है, रोडोडेंड्रॉन है, पल्साटीला है, और सारी दवाएं हैं, है ना। लेकिन अगर बच्चों में हो स्पेशली, तो पहली दवा है एब्रोटेनम। इंस्टीट की चोट लगने के कारण ना हो, अगर चोट के कारण है तो हम आर्निका फिर देंगे वहाँ पे, ठीक है। बड़े में हो तो क्लेमेटिस इरेक्टा, रोडोडेंड्रॉन, पल्सार्टीला, साइलेंसिया, ये सारी दवाएं ज़्यादातर आती हैं, क्लियर है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सिम्टम पे। अब हम बात करते हैं इसके कीनोट सिम्टम्स के बारे में। ये सारे तो वो सिम्टम्स हो गए जो कि इंडिकेशंस वाले सिम्टम, मतलब ये कि अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक बार हमको ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये दवा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके कीनोट सिम्टम्स कौन कौन से हैं, जिसपे ज़्यादा फोकस होता है हमारा, ठीक है। पहला सिम्टम इसका होता है इमेशिएशन। कैसे हम पहचानेंगे पेशेंट को? दुबला पतला होते जाना, यानी पेशेंट कैसा होगा? दुबला पतला होगा, स्पेशली चिल्ड्रेन अगर है तो एसेंडिंग होगा, मतलब आरोही, मतलब आरोही, मतलब आरोही अवरोही होता है ना, आरोही ऊपर की तरफ,
और वही नीचे की तरफ। तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ अगर दुबला पतला शुरू हो रहा है, मतलब शुरुआत हुई पैरों से फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अगर पेशेंट के पेरेंट्स ये बताते हैं कि नीचे से दुबला पतला होना शुरू हुआ और ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो वैसी कंडीशन में हम पहली दवा आएगी हमारी एब्रोटेनम, साथ में क्या आएगा, रेवेनस हंगर, बहुत ज़्यादा भूख रहेगी ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको जो दवा देनी है वो होती है हमारी एब्रोटेनम, ठीक है। फिर लॉसिंग फ्लैश वेर ईटिंग वेल, ये सिम्टम हमको ध्यान देना है कि जब पेशेंट बताए कि अच्छे से मैं खा पी रहा हूँ फिर भी दुबला पतला होता चला जा रहा हूँ मैं, तो वैसी कंडीशन में दवा आती है हमारी एब्रोटेनम। और इसको हम कंपेयर करते हैं आयोडम, नेट्रमयूर, सेनिकुला और ट्यूबरकुलम के साथ में। अल्टरनेट सिम्टम्स, बारी बारी से इसके जो लक्षण आते हैं हमको इसका ध्यान देना है कि ऐसे सिम्टम्स जो कि अल्टरनेट करता है, मतलब जो सिम्टम्स अभी आया हुआ है वो ख़त्म हुआ फिर दूसरा सिम्टम्स हमारा शुरू हो गया, ये सही हुआ तो फिर दूसरा पहला वाला सिम्टम आ गया, ठीक है। तो जो अल्टरनेट होता है इसका हमको ध्यान देना है, ठीक है। ये सिम्टम अगर आ रहा है तो हमको ध्यान देना है कि ये कीनोट सिम्टम है, इसका विशेष ध्यान देना है। फिर रूमेटिज्म, रूमेटिज्म का मतलब क्या हो गया कि वही वाली बात कि गठिया अगर है और गठिया के साथ में ये सिम्टम्स भी आ रहे हैं, मतलब बारी बारी से लक्षण आने वाला, ये सारे सिम्टम भी अगर आ रहे हैं तो हमको पहले ध्यान में देना है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। फिर मेटास्टेसिस, इसका ध्यान देना है कि बीमारी का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना या रूप उसका परिवर्तित हो जाए या स्थानांतरित हो जाए, तो समझ लीजिए कि हमको एब्रोटेनम की आवश्यकता है वहाँ पे पेशेंट को। फिर सेंसेशन ऑफ स्टमक फ्लैटिंग आर स्विमिंग इन वाटर विथ कोल्डनेस, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, अगर ये सिम्टम मिलता है तो आँख मूंद के दबा दीजिए, पेशेंट को आराम मिलेगा। इसको हम समझ सकते हैं बुफुर आना के साथ में, ठीक है। सेंसेशन ऑफ स्टमक फ्लोटिंग आर स्विमिंग इन वाटर, मतलब जब पेशेंट को ये फील हो कि पेशेंट को पेट में जैसे लग रहा है कि पेट में पानी तैर रहा है या पानी कुछ तैर रहा है, ऐसा एहसास अगर होता, पेट में तैरने का एहसास या पानी में तैरने का एहसास अगर पेट के अंदर में हो, तो वहाँ पे ये ऐसा सेंसेशन हो कि जैसे जो स्टमक हमारा है, जो हमारा पेट का ऊपर वाला पोर्शन, वो पानी के अंदर तैर रहा है, ऐसी फीलिंग अगर आए तो वहाँ पे हम इसको बुफोराना के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। और साथ में अगर कोल्डनेस है, पेट के अंदर में महसूस हो कि ठंडापन महसूस हो रहा है, तो वहाँ पे सिंगल मेडिसिन है एब्रोटेनम, ठीक है। इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, स्पेशली बच्चों में या बड़ों में भी पाया जाता है, क्रेविंग फॉर ब्रेड बॉइल्ड इन मिल्क, मतलब कि अगर दूध में उबली हुई रोटी खाना के लिए पेशेंट को बड़ी इच्छा हो, तरस जाए, बहुत ज़्यादा मन करे उसको कि दूध में, आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा कि बड़ा उनकी इच्छा होती है कि वो दूध में उबली हुई रोटी खाएं, तो अगर ये सिम्टम मिलता है तो आप आँख मूंद करके दवा देंगे एब्रोटेनम, बहुत अच्छा काम करेगी, हर बीमारी में काम आती, कोई भी बीमारी हो ये सिम्टम अगर मिल जा रहे हैं जो कीनोट सिम्टम्स हैं तो दवा बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। फिर है इनटॉलरेंस ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी पेशेंट नहीं पीना चाहता, ये इसका बड़ा खास सिम्टम होता है कि पेशेंट को कॉफ़ी से बिल्कुल जस्ट लाइक एलर्जी होती है, मतलब टॉलरेट नहीं करता कॉफ़ी को किसी भी रूप में, ठीक है। तो उस कंडीशन अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं सारे के सारे, तो समझ लीजिए कि हमारी दवा किस तरफ जा रही है, एब्रोटेनम की तरफ में, ठीक है। तो ये इसके कीनोट सिम्टम्स हो गए जिसपे हमको फोकस करना है कि ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो हमको आँख मूंद करके दे सकते हैं एब्रोटेनम। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस ऑफ रेमेडी, ये क्या होता है। न्यूक्लियस ऑफ रेमेडी का मतलब होता है कि देखिए हर एक रेमेडी, हर एक मेडिसिन किसी पर्टिकुलर की तरफ ज़्यादा फोकस होती है, मतलब किसी चीज़ की तरफ या कुछ ऐसे सिम्टम्स या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिस पे ज़्यादा फोकस करती हैं। तो ये मेडिसिन, ये हर मेडिसिन का होता है, जैसे अगर कोई बीमारी होती तो हमारे दिमाग में आता है ना कि ये बीमारी हुई तो हमको पहले कौन सी मेडिसिन दिमाग में आती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्र, ठीक है। तो रेमेडी का केंद्र क्या होता है, कौन सी बीमारी इसके केंद्र में आती है,
उसको भी जानना जरूरी होता है, ताकि अगर वो बीमारी हमारे सामने आए तो पहले हमारे दिमाग में कौन सी मेडिसिन आए, ये मेडिसिन आए। तो ये मेडिसिन किन किन बीमारियों में पहले आती है? मेरेस्मस मोस्ट प्रोनाउंस्ड, मतलब अस्पष्ट रूप से अगर मेरेस्मस दिखे, या जिसको हम लोग बोलते हैं सूखा रोग दिखे, अस्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हाँ सूखा रोग है, और स्पेशली अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज में हो, एक्सट्रीमिटीज मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज होता है हाथ, दोनों हाथों को क्या बोलते हैं हम लोग, कि अगर दोनों हाथ हैं ये अपर एक्सट्रीमिटीज में आते हैं, और दोनों पैर इसको बोलते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो अगर पैर में दिखे स्पेशली मेरेस्मस या सूखा रोग अस्पष्ट रूप से, तो पहली दवा दिमाग में कौन सी आनी चाहिए? एब्रुटेनम। दूसरा, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण अगर दिखे, ऐसे बच्चे जो कि कुपोषित हों, जिनका शरीर सूखता जा रहा हो, तो पहली दवा कौन सी आनी चाहिए? एब्रोटेनम। और भी दवाएं हैं, मैं भी बात किया अभी हमने, ठीक है, आयोडम है, सेनिक्यूला है, नेट्रमयूर है, ट्यूबरकुलिनम है, ये सब दवा भी आएगी, लेकिन पहली दवा कौन सी आएगी? माल न्यूट्रिशन, एब्रोटेनम। डायरिया हो, ठीक है, तो दिमाग में आना चाहिए डायरिया अगर है, और भी दवाएं हैं, आर्सेनिक है, बहुत सी दवाएं हैं, लेकिन इसका भी ध्यान में आना चाहिए कि डायरिया की कंडीशन क्या है, क्या डायरिया के साथ साथ में खाना बिना पचे हुए निकल रहा है, ठीक है, खाना बना बिना पचे हुए निकलना एक और मेडिसिन में है। कौन सी मेडिसिन है सर? और भी बहुत सारी खाना मेडिसिन्स हैं, एक प्रोमिनेंट मेडिसिन जरा मैं जानना चाहता हूँ, ये आपके नहीं दिमाग में बताओ। कौन, आपके दिमाग में कौन कौन सी मेडिसिन्स आती हैं जब खाना बिना पचे हुए निकले तो? अभी नहीं आ रहा है फिर मैडम। देखिए, एक बड़ी अच्छी दवा है ओलियंडर। लिएंडर, ओलियंडर में भी खाना बिना पचे हुए निकलता है, और भी मेडिसिन्स हैं, लेकिन ओलियंडर वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि डायरिया की कंडीशन हो, 10 में जरूर इसको ध्यान देना, बाकी और दवाएं हैं इसके साथ में, लेकिन खाना अगर बिना पचे हुए निकले तो एब्रोटेनम को ध्यान देना है, साथ में ओलियंडर का भी ध्यान देना है, ठीक है। और मेटास्टेसिस हो, यानी स्थानांतरण हो, मतलब एक सिम्टम्स दूसरी सिम्टम्स में या तो अल्टरनेट करें, जैसे आगे लिखा हुआ अल्टरनेट कंप्लेंट्स, प्रत्यावर्ती शिकायतें, शिकायतें अल्टरनेट कर जाएं, या फिर एक बीमारी दूसरी बीमारी में स्थानांतरित हो जाए, ठीक है। तो वहां पे पहली दवा है हमारी एब्रोटेनम, चलो ठीक है, ऐसी कंडीशन में जरूर हमको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्फर्मेटरी सिम्टम्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन से सिम्टम हमको मिलेगा, या वो कौन से सिम्टम होंगे जिसको देखने के बाद हम बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि हमको एब्रोटेनम ही देना है, ठीक है। उसमें हमको ये तीन लक्षण ध्यान देना, जैसे कि बच्चा देख रहे हैं, तो बच्चे में जो पैर इसका है दुबला पतला है, ऊपर नॉर्मल है, लेकिन पैर इसका दुबला पतला दिख रहा है, ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान देना है। दूसरी चीज की पहली बात की एलिमेंट्स फ्रॉम चेक द इरप्शंस या डिस्चार्ज, यानी उद्भेद या जो इरप्शंस हैं या जो स्राव हैं, बड़ी बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके अंदर में, जिसे देखेंगे कि किसी को एक्जिमा हो गया मान लीजिए, ठीक है ना, या कोई और उद्भेद हो गया, या कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, किसी को डिस्चार्ज हो रहा था, आपने दवा दे दी एलोपैथिक और रुक गया, या कोई और दवा दे दिया होम्योपैथी की दवा दे दिया उसको, कभी कभी होता है ना कुछ ऐसी दवाएं हम दे देते हैं जिससे उद्भेद या कोई भी चीज़ तुरंत सप्रेस हो जाता है, चूंकि होम्योपैथिक में भी सप्रेशन आता है, पता है कि नहीं, होम्योपैथिक दवाएं भी सप्रेस का काम करती हैं, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से ना ट्रीट करें तो कभी कभी ये दवाएं भी सप्रेस का काम करती हैं, ठीक है। जैसे कोई ऐसी दवा हमने बहुत हाई पोटेंसी में दे दी तो वो भी सप्रेशन का काम कर देती है, या पैलिएशन का काम करती है हाई पोटेंसी में देने के बाद, मतलब वो सही नहीं हुआ लेकिन पैलिएट हो जाता है, ठीक है। तो हाई पोटेंसी को इसलिए भी दिया जाता है, लेकिन अगर सारे सिम्टम्स मिले तो कभी कभी कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो कि पैलिएशन का काम करते हैं, सीएम पोटेंसी किसी दवा के दे दी किसी को, तो किसी भी दवा की किसी को दे देंगे तो तुरंत पैलिएट वो बीमारी, लेकिन सही नहीं होगी, ठीक है, तो इसका भी ध्यान देना होता है। तो या एलोपैथिक दवा हमने दे दिया, किसी को इरप्शन हुआ, कुछ भी हुआ, उसके बाद हमने एलोपैथिक दवा दे दिया, वो इरप्शन तो दब गया लेकिन दूसरी बीमारी के रूप में सामने आ गया, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं या डिस्चार्ज है, रोक दिया उसके बाद कोई बीमारी पैदा हो गई, तो जब हम किसी की हिस्ट्री में जाते हैं और हमको ये मिले कि पहले कोई बीमारी हुई थी जिसकी अंग्रेजी दवा हुई थी, बाद में ये बीमारी पैदा हो गई, तो
या ये स्राव हो रहा था, लूज मोशन हुआ था, डायरिया हुई थी, उसके बाद ही बीमारी पैदा हुई, तो एक बार जरूर हमको दिमाग में आना चाहिए ब्रोटेनम, ठीक है। दूसरा, सूखा रोग हो और पैरों से, जैसे कोई ऐसा पेशेंट आपको मिले कि पैर उसका दुबला पतला हो, और ऊपर तो ठीक ठीक दिख रहा है लेकिन पैर उसके दुबले पतले हों। मेरे पास एक पेशेंट हैं ऐसे जिनके साथ में सेम यही कंडीशन है कि दुबला पतला उनका पैर है और बाकी ऊपर से ठीक है, बाकी उनके और दूसरी बीमारियां हैं, सांस की तकलीफ है और दूसरी तकलीफें उनकी हैं। तो सेम यही कंडीशन है, उनके पीछे में ये चीज है कि उनको कभी एक्जिमा हुआ था जिसकी उन्होंने अंग्रेजी दवा करी थी। तो ये सिम्टम जब आता है तो आपको तुरंत सोचना चाहिए कि ये दवा है, हमारी जो दवा कौन सी है, ये दो सिम्टम मिल गया मतलब ये दवा हमारी परफेक्ट जा रही है ब्रोटेनम की तरफ। और तीसरा भी सिम्टम अगर मिल गया तो फिर 100% कन्फर्म हो गया कि अगर लूज मोशन हो जाए या पत्ती टट्टी हो पेशेंट को, तो बोले कि हमको आराम मिला डॉक्टर साहब। तो जब भी कोई पेशेंट ये सिम्टम बताए कि डॉक्टर साहब जब मुझे लूज मोशन होता है, पत्ती टट्टी होती है, तो मुझे आराम मिलता है, तो समझ लीजिए कंफर्म है कि एब्रोटेनम, ठीक है। तो हमको पहले तो कीनोट सिम्टम पे ध्यान देना है, कीनोट सिम्टम के पहले जो हमने सिम्टम बताया कि जो गाइडिंग सिम्टम्स, उस पर भी ध्यान देना है। उसके साथ में हमको कन्फर्मेटरी सिम्टम की तरफ चले आना है। देखिए, हम जब किसी पेशेंट को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम पहले कहाँ से आते हैं, पहले गाइडिंग सिम्टम्स की तरफ आते हैं, वहाँ से फिर हम बढ़ते हैं कीनोट सिम्टम की तरफ, कीनोट से फिर कन्फर्म होने के लिए आते हैं कन्फर्मेटरी सिम्टम की तरफ, ठीक है। तो जब हम इस पे आते हैं और ये सिम्टम हमको मिलता है या इसमें से कोई सिम्टम मिलता है, ठीक है, कभी कभी होता है कि तीनों मिल सकते हैं, कभी दो मिल सकते हैं, कभी एक भी मिल सकता है, तो कन्फर्म हमारा हो जाता है कि ये दवा है हमारी, ठीक है। तो ये सिम्टम का जरूर ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल में हमको क्या क्या मिलता है। क्लिनिकल में जैसे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड्स, जब पैरोटिड ग्लैंड में सूजन हो जाए, चेंजिंग टू टेस्टिस आर मैनी इज जनरली क्योर्ड बाई कार्बोवेज और पल्साटीला, ठीक है। जनरली क्या होता है कि पैरोटिड ग्लैंड में अगर सूजन हो जाए और वहाँ से उसको वो सही हुआ तो वो चेंज हो गया किसमें, टेस्टिस में सूजन आ गई या मैमी में यानी ब्रेस्ट में सूजन हो गई, ठीक है। ये अल्टरनेट कर रहा हो या चेंज हो गया वो सिम्टम, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि कार्बोवेज या पल्साटीला से चीज़ें सही हो जाती हैं, बट एब्रोटेनम हैज क्योर्ड व्हेन दीज रेमेडीज हैव फेल्ड। डॉक्टर केंट कहते हैं कि कार्बोवेज या पल्साटीला से इस तरह के सिम्टम्स कि पैरोटिड ग्लैंड में सूजन हुई, वहाँ से सही हो गया लेकिन फिर से वापस में ब्रेस्ट में सूजन आ गई, या फिर कोई दवा दिया तो टेस्टिस में सूजन आ गई, या अल्टरनेट कर दिया, या हमने दवा दिया तो लेकिन यहाँ से यहाँ चला आया और लेकिन सही नहीं हो रहा है, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि जनरली कार्बोवेज या पल्साटीला से सही हो जाता है, लेकिन एब्रोटेना अगर इससे सही ना हो तो एब्रोटेनम से क्योर हो जाएगा, ये डॉक्टर केंट साहब का कहना है, ठीक है। तो ये इसका क्लिनिकल फीचर भी है, क्लिनिकल ये सिम्टम भी है। अब हम बात करते हैं रेमेडी के रिलेशनशिप में, रेमेडी का रिलेशनशिप किन किन मेडिसिन के साथ में है, ठीक है। तो ये दवा एकोनाइट, ब्रैनिया और हिपरसल्फ को फॉलो करती है, मतलब एकोनाइट, ब्रैनिया और हिपरसल्फ बाद ज़्यादातर आवश्यकता पड़ जाती है इसकी, या इसके बाद में ये बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है, एकोनाइट, ब्रैनिया और हिपरसल्फ के साथ में, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है इन प्योरिसी आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रैनिया एब्रोटेनम फॉलोज वेल, मतलब प्यूरिसी में जबकि चेस्ट में जो दर्द होता है, चुभन वाला दर्द होता है, दबाने पे आराम मिलता है पेशेंट को, जब पेशेंट को एकोनाइट दिया जाए, ब्रैनिया दिया जाए, उसका सिम्टम है दिया जाए और पेशेंट को आराम हो जाए लेकिन पूरी तरह से सही ना हो, तो उसके बाद में अगर एब्रोटेनम दिया जाता है तो उसको वो बेस्ट वे में फॉलो करती है और पेशेंट को बिल्कुल क्योर कर देती है, ठीक है। तो ये क्लिनिकल चीज़ है, बहुत ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि एकोनाइट और ब्रैनिया के बाद में एब्रोटेनम अच्छा वर्क करती है, ठीक है। इसको हम और मेडिसिन से भी कंपेयर कर सकते हैं जिसमें एब्सेंथिनम है, एगेरिकस है, बेरेटाकार्ब है, ब्रैनिया, कैमोमिला, सीना, ग्निफेलियम है और नक्स वोमिका है, इसके साथ में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। नीचे वाली लाइन है कंपेयर विथ नक्स वोमिका एंड एगेरिकस इन चिलब्लेन्स, चिलब्लेन्स की कंडीशन में, चिलब्लेन्स जैसे आप देखिए ठंडे के मौसम में
जो अंगूठा होता है, तो अंगूठे के जो बेस में सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है ना, तो इसको फ्रॉस्ट बाइट भी बोलते हैं, चिलब्लेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जबकि नक्स वोमिका और एगेरिकस ये बहुत अच्छी दवा है ऐसी कंडीशन के लिए, इसको हम कंपेयर इस कंडीशन में कर सकते हैं एब्रोटेनम के साथ में भी, ठीक है। इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे। तो ये सिम्टम्स है एलन की नोट से, ठीक है। तो अब हम सारी चीज़ों को समराइज करेंगे, कुछ नए सिम्टम्स भी यहाँ पे हमको दिखेंगे सामने, ठीक है। तो अब हम जैसे हमने अभी बात किया कि अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, पर्याप्त क्रम से कब्ज और पतले दस्त का होना, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है लैंटेरिया। लैंटेरिया मतलब बिना पचे भोजन का पास होना, अभी हमने बात किया पीछे, इसको बोलते हैं मेडिकल वर्ड में लैंटेरिया। लैंटेरिया मतलब होता है बिना पचे खाने का निकल जाना। इस पर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ओलियंडर के साथ में, जैसा हमने बताया अभी आपको, ठीक है। अल्टरनेट होता है कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, मतलब कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जियत हुई, लैट्रिन कड़ी होने लगी, वो सही हुई तो लूज मोशन होने लगा, वो सही हुआ तो फिर इधर होने लगा। तो ये सिम्टम और भी मेडिसिन में, जैसा कि अपने पीछे में बात की थी, अब एंटीमकोड, एंटीमटार्ट और सारी मेडिसिन में, एक दवा और इसके साथ में है जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, वो है एलोज। एलोज में भी ये सिम्टम पाया जाता है, पल्सार्टिला में भी ये सिम्टम पाया जाता है। पल्सार्टिला का सिम्टम ही होता है चेंजिंग सिम्टम्स हमेशा होता है, ठीक है ना। तो उससे भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। फिर एक सिम्टम है नीचे है नेक्स्ट लाइन में, मैरेसमस ऑफ चिल्ड्रेन विथ मार्क्ड इमेशिएशन। ये हमने पीछे बात किया अभी, इसको एक तरह से समराइज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका, मैरेसमस ऑफ चिल्ड्रेन विथ मार्क्ड इमेशिएशन। इमेशिएशन मतलब शरीर का दुबला पतला होते चले जाना, स्पेशली ऑफ लेग्स, स्पेशली पैरों का, ठीक है। तो दुबला पतला होते चले जाना, तो उस कंडीशन में कौन सी दवा है एब्रोटेनम, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं आयोडम, सेनिक्यूला, ट्यूबरक्लिनम, नेट्रमील, जो भी पीछे हमने बात किया था उससे कंपेयर कर सकते हैं। द स्किन इज फ्लैबी। अब देखिए कैसे देख के पहचानेंगे, स्किन कैसी होती है पेशेंट की, फ्लैबी यानी थुल थुल, ठीक है। एंड हैंग्स, लूज इन फोल्ड्स, लटक जाता है कहाँ पे, लूज इन फोल्ड्स, जो मोड़ होते हैं ना वहाँ पे, ठीक है। वहाँ की स्किन कैसी होगी आप बच्चों को देखेंगे या बड़े बड़ों, लटक जाती है स्किन वहाँ की। तो ये देख करके हम पता कैसे कर सकते हैं पेशेंट को, जैसे कोई बच्चा अगर आता है हमारे पास में, उसको देख करके कैसे पता करेंगे कि बच्चा आया हमारे पास में बैठा, अब उसकी आंखें धसी हुई हैं, चेहरा गाल धसे हुए हैं, दुबला पतला है, स्किन देख रहे हैं तो ऊपर तो ठीक ठाक लग रहा है लेकिन नीचे पैरों में ज़्यादा दुबला पतला है, या घर के पेरेंट्स बता रहे हैं कि दुबला पतला ज़्यादा है, डॉक्टर साहब पैर इसके बहुत दुबले पतले होते चले जा रहे हैं, स्किन उसकी देख रहे हैं। तो अगर आपने छू दिया तो आपको देख कर महसूस होगा कि बड़ा ढीला ढाला है ना। एक होता है कि बच्चों की स्किन टाइट होती है, एक होती है ढीली ढाली, तो उससे समझ में आएगा कि बच्चों को इमेशिएशन की प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर हमको इन सारे मेडिसिंस का, ठीक है, ध्यान में आ जाएगा। अच्छा, अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर नेक में ये कंडीशन है, मतलब गर्दन में अगर हो तो, ठीक है, अगर गर्दन में ये कंडीशन है, मतलब ढीली ढाली स्किन है, फोल्ड्स में है, गर्दन में ये फोल्ड है, अगर वहाँ पे है तो नेट्रमूर और सेनिकुला है, ठीक है। अगर गर्दन में है ढीला ढाला तो नेट्रमूर सेनिकुला है, लेकिन अगर पूरी बॉडी में है या स्पेशली लोअर लेग्स में है तो वहाँ पे एब्रोटेनम बेस्ट दवा है। फिर है मेरेस्मस। मेरेस्मस की कंडीशन में है, और अगर हेड वीक है, जो अभी हम बात कर रहे थे इसके पहले, कि मेरेस्मस की कंडीशन में अगर सिर वीक है, कैन नॉट होल्ड इट अप, सिर इतना कमजोर है कि इसको पकड़ के नहीं रख सकता है, हमेशा ऐसे झूल जाए, ऐसे आप बच्चों को देख करके समझ सकते हैं। तो वैसी कंडीशन में हमने एक दवा बताई थी अभी आपको, सल्फर। एक दवा और है एथुजा साइनेपियम। एथुजा साइनेपियम का पेशेंट भी इतना दुबला पतला वीक होता है कि हमेशा ऐसे किए रहता है, गर्दन हमेशा टेढ़ी रहेगी उसकी, वो देख के आप समझ जाएंगे, ठीक है। देख के समझ में आएगा कि हाँ ये एब्रोटेनम का पेशेंट है, ये एथुजा का पेशेंट है, ये सल्फर का पेशेंट है। मेरेस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली। अगर एक्सट्रीमिटीज में जो मेरेस्मस की कंडीशन है वो लोअर पोजिशन में है, नीचे पैरों में है, तो समझिए कि एब्रोटेनम कन्फर्म दवा है। ये सारी बातें हमने पीछे कर रखी हुई है,
रिमेटिज यानी गठिया, फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेज। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम हमारे सामने आया है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा दर्द हो सूजन आने के पहले। जब पेशेंट आपसे आप पूछेंगे और पेशेंट से ये पूछेंगे कि ये बताइए कि आपको जो तकलीफ होती है, जैसे सूजन है, दर्द भी उसको है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताइए कि आपको सूजन पहले हुई या दर्द पहले हुआ, और पेशेंट अगर ये बताया कि डॉक्टर साहब मुझे पहले दर्द हुआ था, बाद में सूजन आई है, पहले दर्द बहुत ज़्यादा हुआ उसके बाद सूजन हुई, तो आपके दिमाग में पहली दवा आनी चाहिए एब्डोटेनम। फ्रॉम सडनली चेक डायरिया या अदर सेक्रीशंस अल्टरनेट्स विथ हेमोराइड्स विथ डिसेंट्री, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में, ये सारी बातें पीछे हम कर चुके हैं बेसिकली, अब इसको फिर से रिवाइज में कर दे रहा हूँ एक बार। फ्रॉम सडनली अगर अचानक डायरिया हो जाए या अचानक सेक्रीशन, कोई भी सेक्रीशन अगर चेक हो गया, रोक दिया हमने किसी भी चीज़ से, चाहे वो फिजिकली चाहे दवा के माध्यम से जैसे भी, उसके बाद अगर अल्टरनेट कोई बीमारी हुई जैसे हेमोराइड्स हो गया या डिसेंट्री हो गई, बवासीर या पेचिस की बीमारी हो गई या और कोई बीमारी हो गई, तो वैसी कंडीशन में दवा हमारी कौन सी आती है? एब्रोटेनम। जब हम एलन की नोट्स को पढ़ते हैं तो एलन की नोट्स को पढ़ने के थोड़े से कुछ नियम हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको मैं बताना चाहूँगा, उसको ये चीज़ समझ आएंगे तो आगे आसान रहेगा, ठीक है। देखिए जब हम कोई सिम्टम पढ़ते हैं, जैसे हमने रूमेटिज्म पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे दो डॉट दिखा हुआ है, ठीक है, दो डॉट के आगे आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये अलग अलग सिम्टम दिया हुआ है, मतलब सेमी कॉलन ये दे रहा है ना, सेमी कॉलन करके दिया हुआ, मतलब ये यहाँ पे जैसे कहाँ से कहाँ तक मैं पढ़ के बता रहा हूँ समझेंगे आप। फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेज, यहाँ तक, इसके बाद फिर हिंदी में लिखा है सूजन शुरू होने से पहले अत्यधिक दर्द के लिए, इसके बाद ये एक सेमी कॉलन दिया हुआ, ठीक है, यहाँ तक ये एक सिम्टम है, ठीक है। इसके बाद फिर वापस जब हम इसके आगे का सिम्टम पढ़ेंगे तो वापस हमको क्या वर्ड लेना है? रूमेटिज्म के आगे रूमेटिज्म, फिर आगे ये फ्रॉम सडनली चेक डायरिया आर अदर सेक्रीशंस, फिर सेमी कॉलन है, ठीक है, फिर सेमी कॉलन के बाद फिर हम जो आगे का पोर्शन पढ़ेंगे तो हम क्या लेंगे? रूमेटिज्म अल्टरनेट्स विथ हेमोराइड्स विथ डिसेंट्री। बात समझ में आ रही है? मतलब ये अलग जी अलग तीन तीन सिम्टम इसमें दिया हुआ है रूमेटिज्म के साथ मिलकर के, तो ये आगे आपको काम आएगा, क्योंकि मैं हर एक मेडिसिन को मैं बताऊंगा एलन की नोट्स के साथ में भी, तो जब मैं एलन की नोट्स को बता रहा हूँगा तो उसमें इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखेंगे, ये बड़े शॉर्ट में एक्चुअली लिखे होते हैं, इसको डिस्क्राइब करने पे बहुत लंबा खींच जाता है ये, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि जब रूमेटिज्म के साथ में अगर पेन हो और पेन पहले हो बाद में सूजन आए, ठीक है, तो वहाँ पे एब्रोटेनम। एब्रोटेनम है। रूमेटिज्म यानी गठिया की बीमारी हो, कैसे शुरू हो, सडनली चेक डायरिया या कोई सेक्रेशन अगर अचानक रोक दिया जाए, लूज मोशन हो रहा था, अंग्रेजी दवा खा लिया, बाद में जोड़ों का दर्द आ गया, अगर ये बीमारी का लक्षण पेशेंट बता रहा है तो ये दवा आएगी। इसके साथ साथ में हाँ, तब एब्रोटेनम आएगी। कोई अगर सेक्रेशन रोक दिया हमने, कोई भी चीज़ से वोमिटिंग हो रही थी उसको रोक दिया हमने, या कोई सेक्रेशन बॉडी से निकल रहा था, है ना, जैसे ब्लड निकल रहा था या कुछ भी ऐसा सेक्रेशन बॉडी का फ्लूड निकल रहा था, उसको हमने रोक दिया, उसके बाद अगर गठिया की बीमारी पैदा हो गई तो वहाँ पे एब्रोटेनम, या अल्टरनेट करें गठिया की बीमारी किसके साथ में? बवासीर के साथ में, बवासीर सही हुई तो गठिया आ गई, गठिया सही हुई तो बवासीर फिर से वापस शुरू हो गया, या डिसेंट्री के साथ में पेचिस की बीमारी है कि पेचिस सही होती है तो गठिया आ जाती है, गठिया सही होती है तो पेचिस आ जाती है, चाहे किसी भी दवा से दें, हम अंग्रेजी दवा दे रहे हैं, होम्योपैथिक दे रहे हैं, आयुर्वेदिक दे रहे हैं, कोई भी दवा दे रहे हैं, अगर ये सिम्टम आ रहा है तो भी हमको क्या देना है वहाँ पे? एब्रोटेनम, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाउट के बारे में, गाउट में क्या क्या सिम्टम आते हैं। देखिए रूमेटिज में और गाउट में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा इसको मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझिए। गाउट एक छोटा सा पोर्शन होता है रूमेटिज्म का, रूमेटिज्म बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे होता है, बहुत सारे सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसको आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। और गठिया क्या होती है? गठिया के अंदर कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जैसे ज्वाइंट स्टिफ हो जाता है, ज्वाइंट स्टिफ मतलब कड़ा हो जाता है, ठीक है, कठोर हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, जकड़न आ जाती है, किसी भी ज्वाइंट में अगर जकड़न आ जाए,
स्वेलिंग हो जाए, सूजन आ जाए, फिर प्रिकिंग सेंसेशन, चुभने वाला दर्द हो, ठीक है, जिसकी मैंने बात अभी पीछे किया था, चुभने वाला दर्द महसूस हो। अब ये तो वहाँ पे क्या होगा, गाउट, देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन दिया हुआ है, ठीक है, कॉमा कॉमा से तो उसी के अंदर है, लेकिन जब सेमी कॉलन आ गया तो समझिए कि ये एक सिम्टम है, ठीक है, आगे का सिम्टम दूसरा सिम्टम हो जाएगा जहाँ पे सेमी कॉलन होगा, समझ गए मेरी बात को। तो गाउट, ज्वाइंट स्टिफ, स्वलन, स्वलन विथ प्रिकिंग सेशन, इसके बाद सेमी कॉलन है, ठीक है ना, तो ये एक सिम्टम हो गया, ठीक है। तो मतलब गठिया की बीमारी हो, अब ये किसी भी जोड़ में हो सकता है, जोड़ों में स्टिफनेस हो, जकड़न हो, सूजन हो, विथ चुभने वाला दर्द हो, और पेशेंट ये बताए कि डॉक्टर साहब पहले दर्द हुआ था, बाद में स्वेलिंग हुई थी, क्लियर है, तो नंबर वन दवा कौन सी हमारी आएगी, एब्रोटेनम, ठीक है। फिर गठिया हो, साथ में रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स पेनफुल हो एंड इन्फ्लेम्ड हो, मतलब स्वेलिंग हो, ठीक है, तो दवा कौन सी आएगी, रिस्ट और एंकल, जो इसके बारे में पहले मैंने बात किया था। साथ में और क्या सिम्टम आ सकता है, विथ ले वेरी लेम एंड सोल आर्बर, पूरे बॉडी में हो सकता है, पूरे शरीर में हो सकता है, क्या हो सकता है कि लेम हो, मतलब उस भाग का इतना दर्द है कि उसका प्रयोग नहीं कर सकता, उस भाग का, जैसे हिंदी में लिखा ना कि वो तो लंगड़ा महसूस, मतलब लेम मतलब होता है लंगड़ा प्लेन भाषा में, लेकिन यहाँ का मतलब क्या है, लेम का मतलब होता है कि वो उस भाग में इतना इनएक्टिव हो जाता है कि उसका यूज नहीं कर सकता, इतना दर्द होता है, इतना तकलीफ होती है कि उसको यूज नहीं कर सकता। पैरों में दर्द है तो पैर को मोड़ नहीं सकता है, पेट में दर्द है तो चल नहीं सकता, वो मूव नहीं कर सकता, आगे मोड़ अपने आप को बेंड नहीं कर सकता है ना, तकलीफ की वजह से, क्लियर है, रिलेट रिलेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, जी ठीक है ना। फिर बात आ गई इचिंग चिन ब्लेंस, जो भी हमने बात किया था पीछे, कि बिवाई हो, चिन ब्लेंस, बिवाई भी होती है, चिन ब्लेंस में कई सारे सिम्टम आते हैं, चिन ब्लेंस जो मैंने आपको बताया कि टो है अंगूठा का, ठीक है ना, जो अंगूठा है पैर का, उसके आसपास में अगर इस तरह की स्वेलिंग हो जाए, जो कि जिसको फ्रॉस्ट बाइट भी बोलते हैं, ये जाड़े के दिनों में ज़्यादातर देखने को आता है, सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, और ऐसी जगह पे जहाँ पे कि काफ़ी देर तक अगर ठंडे में अगर अंगूठा रह जाए तो ये तकलीफें होती है, तो वहाँ पे दवा आती है हमारी एब्रोटेनम, साथ में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एगेरिकस के साथ में, क्लियर है। बीवाई के साथ में भी है, तो बीवाई के साथ में पेट्रोलियम से इसको कंपेयर कर सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं रूमेटिज्म के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं, क्लियर है। अब इसमें रूमेटिज्म और थोड़ा सा हम बात करेंगे प्लूरिसी के बारे में कि ये होती क्या बेसिकली है। अब देखिए रूमेटिज्म क्या होता है, रूमेटिज्म डज नॉट डेजिग्नेट एनी स्पेसिफिक डिसऑर्डर, रूमेटिज्म को किसी विशेष डिसऑर्डर को या विशेष किसी तकलीफ या बीमारी के नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन बट कवर्स एटलीस्ट 200 डिफरेंट कंडीशंस इंक्लूडिंग आर्थराइटिस एंड नॉन आर्टिकुलर रूमेटिज्म। मतलब क्या हुआ इसका कि रूमेटिज्म जो होता है वो 200 अलग अलग कंडीशंस को मिला करके एक कंडीशन बनती है, ठीक है, जैसे गाउट एक कंडीशन, जो मैंने पीछे बताया कि गाउट एक बीमारी होती है जिसको गठिया कहते हैं, रूमेटिज्म को भी जनरली गठिया हम लोग कह देते हैं, लेकिन रूमेटिज्म सिर्फ एक बीमारी नहीं होती, ये 200 अलग अलग बीमारियों का समूह है, ठीक है, जिसमें सूजन भी होती है, दर्द भी होती है, स्टिफनेस भी होती है, सब होता है, समझ रहे हैं आप, इंक्लूडिंग आर्थराइटिस, इंक्लूडिंग मतलब जोड़ करके, आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में जो दर्द होता है, तो जोड़ों में दर्द भी इसके अंदर में होता है, और नॉन आर्टिकुलर रूमेटिज्म भी होता है, जैसे कभी कभी कंडीशन होती है कि हार्ट में, जिसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड में क्या होता है कि हार्ट की जो वाल्व होते हैं या उसके अंदर जो तकलीफ होती है उसमें तकलीफें हो जाती हैं, उसको भी रूमेटिज्म बोलते हैं, या इसको रूमेटॉइड रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, आल्सो नोन एज रीजनल पेन सिंड्रोम, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, रीजनल पेन सिंड्रोम, किसी पर्टिकुलर जगह में पेन हो उसके और जो सिम्टम्स होते हैं उसको भी बोलते हैं रूमेटिज्म, या सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म भी इसको बोलते हैं। देर इज ए क्लोज ओवरलैप बिटवीन टर्म सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर, ठीक है,
ठीक है, दिस इज अ क्लोज ओवरलैप बिटवीन अ टर्म सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर एंड रूमेटिज्म। ठीक है, ये उसको ओवरलैप कर लेता है, इतने सारे सिम्टम्स इसके अंदर में होते हैं। समटाइम द टर्म सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिक डिसऑर्डर्स इज यूज टू डिस्क्राइब दिस कंडीशंस। कभी कभी सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिक डिसऑर्डर इस कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक कंडीशंस बन जाती है। अब हम बात करते हैं प्लूरिसी के बारे में। प्लूरिसी क्या होती है? प्लूरिसी अकर्स व्हेन द प्लूरल लाइनिंग टू लार्ज थिन लेयर्स ऑफ टिश्यू दैट्स सेपरेट योर लंग्स फ्रॉम योर चेस्ट वॉल बिकम्स इन्फ्लेम्ड काजिंग चेस्ट पेन। ठीक है, हिंदी में बात करें तो फेफड़े की जो फुसफुस अस्तर होती है, जो लाइनिंग्स होती हैं फेफड़े की, एक अंदर लाइनिंग होती है, बाहरी लाइनिंग होती है ना। ठीक है, ये नीचे वाला पिक्चर दिख रहा है? नीचे वाले पिक्चर में अगर देख रहे हैं कि एक होता है नॉर्मल प्लूरा लिखा हुआ है, दूसरा है इन्फ्लेम्ड प्लूरा लिखा हुआ है। ठीक है ना, एक में सूजन है, एक में सूजन नहीं है। तो जो सूजन में, इसकी दो लेयर होती है, एक बाहरी एक अंदरूनी, तो दोनों के बीच में जब इफ्यूजन हो जाए, उसके अंदर पानी या कुछ भर जाए, तो उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन या प्लूरिसी उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को। ठीक है, वही इसमें लिया हुआ है। ठीक है, और इसकी वजह से जब इसमें सूजन आ जाए और उसमें उसकी वजह से चेस्ट में पेन होता है, तो जो चेस्ट में पेन होता है अगर सूजन आने की वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरिसी। अभी तक हमने बात किया था एम्पाइमा या प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। जो प्लूरिसी की कंडीशंस होती है उसमें ये कंडीशन डेवलप होती है, जिसमें जो दोनों लेयर्स होती है उसमें सूजन आ जाती है, खासतौर से अंदरूनी लेयर में। ठीक है, क्लियर है? अब प्लूरिसी की कंडीशन कब होती है? आफ्टर हीपर इन फरंकल्स। देखिए, ये दवा फरंकल्स में भी यूज होती है। फरंकल क्या होता है और कार्बंकल क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। नीचे जो पिक्चर दिया है इसमें क्लियरली समझाया गया है। जब कोई ऐसी, जिसको बड़तोड़ बोलते हैं ना, बाल टूट जाता है, ठीक है, बड़तोड़ जिसको बोलते हैं, तो वैसी कंडीशन में जबकि एक ही छेद हो, कोई ऐसी क्या बल टूट टूट के वैसे हो, या कोई इन्फेक्शन ऐसा हो जाए जिसमें रेडनेस हो, बीच में पीलापन हो, ठीक है, हार्डनेस हो उसके अंदर में, और एक पोर दिखे, जैसे कि फरंकल में आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि अगर एक पोर है इसमें, ठीक है, एक ही जगह से मवाद निकलेगा जब ये पकेगा तो। और कार्बंकल में क्या होता है कि कार्बंकल में कई सारे छेद है, जैसे इसमें तीन चार छेद दिख रहे हैं, है ना, तो जब कई छेद होते हैं तो वो होता है कार्बंकल, और जब एक ही छेद होता है तो उसको बोलते हैं फरंकल। ठीक है, तो जब हिपरसल फरंकल के केस में, जबकि एक ही छेद हो, फरंकल के केस में जब हिपरसल के बाद इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करती है। हिपरसल देने के बाद में जब उसमें से मवाद निकल जाए, सूखने की कंडीशन हो, पूरी तरह से सूख ना पाया हो, तो वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रैनिया, एकोनाइट और ब्रैनिया की कंडीशन में, जब प्लूरिसी की कंडीशन हो, जब चेस्ट में पेन हो, तो एकोनाइट और ब्रैनिया के बाद में इस दवा की आवश्यकता पड़ती है। व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इन अफेक्टेड साइड इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन, मतलब कि प्लूरिसी की कंडीशन में जब एक दबाव जैसा प्रतीत होता है कि जिस तरफ तकलीफ होती है उस तरफ सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है कि दबाव सा महसूस हो रहा हो, तो वैसी कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये लाइन समझ में आएगी नीचे वाली, कि जी जिस तरफ, मैं जैसे मान लीजिए दाहिनी तरफ से अगर तकलीफ हो रही है, ठीक है, अब दाहिनी तरफ तकलीफ है तो उसमें दबाव सा महसूस हो रहा है, और ऐसा दबाव सा महसूस हो रहा है जैसे सांस नहीं लिया जा रहा है, ऐसा जब पेशेंट बताए कि डॉक्टर साहब जिस तरफ तकलीफ है उसमें चुभन जैसा दर्द है और दबाव सा महसूस हो रहा है, सांस नहीं लिया जा रहा, ठीक है, तो वैसी कंडीशन में एक बार ध्यान हमको देना है एब्रोटेनम के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स आर फॉलोइंग कॉलिक। ऐंठन या सूल के बाद अगर अंगों में दर्दनाक कॉन्ट्रैक्शन हो, मतलब कॉन्ट्रैक्शन लिम्स में हो, किसके बाद? क्रैम्प्स के बाद, या फॉलोइंग कॉलिक, कॉलिक के बाद, मतलब पेट में अगर दर्द हो उसके बाद में अगर हाथ, स्पेशली पैरों में, ठीक है, या हाथों में अगर कॉन्ट्रेक्शन हो, खिंचाव हो, तो वैसी कंडीशन में एब्रोटेनम को हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसका जो बच्चा होता है वो इल नेचर्ड होता है। अच्छा, ये सारी बातें
बात कर रहे हैं एलन की नोट से, तो उसके अंदर भी ये कुछ सिम्टम्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जो बच्चा होता है इननेचर होता है, उसका नेचर बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा होता है, क्रास होता है, गुस्सा करने वाला, बहुत क्रोधित होता है, गुस्से वाला होता है, डिस्पोंडेंट होता है, वायलेंस ही बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हिंसक होता है, इनह्यूमन, एक नॉर्मली क्रूर टाइप का अमानवीय काम करना चाहता है ना। कोई भी काम करता है तो ऐसा लगता है जैसे तो क्या कर डाले, इतना गुस्से वाला होता है, ठीक है। वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल, मतलब ऐसा कुछ काम करना चाहता है जो कि बहुत ही क्रूर हो। फेस कैसा होता है, जैसा कि मैंने बताया कि बुढ़ो जैसा होता है, पेल होता है, पीले रंग का होता है, रिंगल्ड होता है, झुर्रियों जैसा होता है। इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ओपीएम के साथ में, जो कि ओपीएम में भी ये सिम्टम पाया जाता है। ओपीएम का पेशेंट भी पेल होता है, उसका चेहरा बुढ़ो जैसा दिखता है और झुर्री जैसा होता है, यंग एज में बुढ़ो जैसा दिखता है, ठीक है। इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी बहुत अच्छी दवा है इसी कंडीशन में, इस सिम्टम पे, उसमें भी चेहरा बुढ़ो जैसा दिखता है, ठीक है। फिर ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्टेशन, पेशेंट इतना वीक और कमजोर हो जाता है कि हमेशा लेटे रहना चाहता है, ठीक है। एक प्रकार की जो हेक्टिक फीवर होती है, इसको तपेदिक बुखार होता बोलते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन बच्चों में, और उस कंडीशन के बाद ये वीकनेस आ जाती है, कमजोरी बहुत आ जाती है, अनेबल टू स्टैंड, खड़े होने में भी तकलीफ होती है, और ये सिर को भी सीधा नहीं रख पाता है, ठीक है।